بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। ये पहले पिछले का रिजल्ट देख लें। सिस्टर फरीहा टॉप पर थी, टोटल जो है वो 20 लोगों ने क्विज सबमिट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और नंबर सबके माशाल्लाह 90 थे टोटल, तो 90 में से सबसे लेस जो है वो 65 हैं, तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह 80 प्लस नंबर्स जो हैं वो ये ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक सवाल के बारे में मेरा ख्याल है उसका एक नंबर सबको जाना चाहिए, जो तहतल मकतब वाले सवाल में मैंने इसमें ज़र्फ लिखा था, तो उसमें अल मकतब को जिन्होंने सेलेक्ट किया है आई थिंक उनको भी एक नंबर जाना चाहिए कि ज़र्फ और इसमें ज़र्फ की कन्फ्यूजन की वजह से। इसके अलावा अगर किसी के जहन में कोई और कमेंट हो किसी सवाल के बारे में तो बता सकते हैं। अल मकतब और ताहता, इसका एक नंबर तो जो है वो हम ऐड कर लेते हैं। और ये मतलब कॉन्सेप्ट हम पहले भी जब क्लास में पढ़ रहे थे उसमें ये बात कर रहे थे, मतलब हमने ये पढ़ा था कि जब अस्माए मुश्तकात में से होते हैं ज़ुरूफ तो उनको इसमें मुश्तक कह देते हैं, और जब ये गैर मुश्तका होते हैं जैसे अमाम खल्फ तहत फौक वगैरह तो फिर इनको सिर्फ ज़र्फ कहा जाता है। तो उस वजह से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हुई और उन्होंने अल मकतब को इसमें ज़र्फ के आगे से जो है सेलेक्ट कर लिया, तो उसका एक नंबर मतलब सबके उसमें ऐड भी कर लेते हैं। कोई और किसी के जहन में अगर कोई बात नहीं है तो हम सर एक्सक्यूज मी जरा, ये जो आपने अभी जो तफसील बताई है इसको थोड़ा सा अगर आप कर दें। ये अरबी जुबान में जब हम बात करते हैं ना तो दो टर्म्स हमें सुनने को मिलती हैं, एक मिलती है ज़र्फ और एक मिलता है इसमें ज़र्फ। अगरचे ये दोनों जो हैं वो मफहूम के अतबार से एक ही चीज़ है ज़र्फ और इसमें ज़र्फ, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात इसको जो कैटेगराइज किया जाता है कि जो हमने एक इसमें मकान और इसमें ज़मान जो है वो किसी फोर में भी पढ़े थे, और आज का जो हमारा रिवीजन है उसमें भी ये आ रहे हैं, वो हैं जो टेबल्स में से हमें नज़र आते हैं। मसलन नज़ला यंज़िलु से मंजिल जो मफ़इल का वजन था, मफ़इल के वजन पर मंजिल मशरिक मगरिब वगैरह, इसी तरह मकतब मफ़अल के वजन पर, और एक तीसरा मफ़अलतुन के वजन पर। इनको भी हमने कहा था कि ये अस्माए ज़ुरूफ़ हैं। और एक हमने ज़ुरूफ़ और देखे जिनमें था अमाम खल्फ तहत फौक वगैरह ज़ालिक, इस तरह के ये भी ज़ुरूफ़ हैं ये भी हैं, लेकिन फ़र्क दोनों में क्या है कि ये जो हैं मंजिल मकतब और मदरसा वगैरह ये एक कायदे और कुलिये के मुताबिक बनाए जाते हैं जो आज हमने रिवाइज भी करना है कि मसलन अगर मुदारे में आइन कलिमा जेर वाला हो तो फिर मफ़इल के वजन पर बनेगा, और अगर मुदारे में आइन कलिमा पर जबर या पेश हो तो वो मफ़अल के वजन पर होगा, इसी तरह अगर फेल नाकिस हो तो भी मफ़अल का वजन आएगा, और अगर फेल मिसाल हो तो भी मफ़इल का वजन आएगा। तो ये हमारे पास एक रूल मौजूद है
कि एक खास पैटर्न से जब आएगा तो इस पैटर्न पर एक खास टेबल से जब कोई भी फेल आ रहा है तो उसका इसम मकान या इसमें ज़र्फ इस पैटर्न पर बनेगा, जबकि ये जो है अमामा खल्फा तहता फौका वगैरह इनके बारे में कोई हमारे पास रूल नहीं है, यानी इनको बनाने के लिए ये वाले जो है ये अस्माए मुश्तकात में से आते हैं, इनको डिराइव किया जाता है मस्तर या फेल से, जबकि इनके साथ ऐसा कोई केस नहीं होता। तो ये जो डिराइव्ड नहीं है अस्माए मुश्तकात में से नहीं है, इनके लिए टर्म यूज कर ली जाती है ज़ुरूफ, या एक होगा तो ज़र्फ कह देंगे। और ये जो अस्माए मुश्तकात में से हैं इनको फिर अस्माए ज़ुरूफ कह दिया जाता है। ऑल्दो बाज जगहों पर इन दोनों को ये अमाम खल्फ तहत फौका इनको भी अस्माए ज़ुरूफ जो है वो कहा गया है, लेकिन बहरहाल हमने इस मदीना अरबिक पढ़ते वक्त हमने जब बात की थी तो उस वक्त यही हुआ था कि ये वाले जो हैं ये अस्माए मुश्तकात इनके लिए टर्म्स यूज की जाती है अस्माए ज़ुरूफ, और जो गैर मुश्तक हैं उनको सिर्फ ज़ुरूफ कह दिया जाता है। और मतलब यूज़ अगरचे दोनों तरह होता है। तो जो सवाल दिया गया था क्विज में वो था वजीदा हाजल कलम तहत अल मकतबी, अब उसमें तहता भी आ गया था और अल मकतब भी आ गया था, तो तहत अल मकतबी था। तो अब तहता जो है वो इन ज़ुरूफ में से आ रहा है ज़ुरूफ, और अल मकतब जो है ये अस्माए ज़ुरूफ में से आ रहा है जो हमने पढ़ा है हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। जबकि दुरुस्त जो जवाब सेलेक्ट किया गया था दुरुस्त ऑप्शन वो तहता था, सवाल में लिखा हुआ था कि इसमें ज़र्फ क्या है, तो अब कंफ्यूजन थी कि इसमें ज़र्फ के एतबार से तो देखें इस सारी डिटेल के मुताबिक जो भी किया तो अल मकतब को होना चाहिए, जबकि दुरुस्त ऑप्शन तहता आ रहा था। तो ये एक मैंने बताया कि इस नंबर की अगर हम बात करें एस कॉन्सेप्ट की, तो ये कॉन्सेप्ट अब दोबारा से रिवाइज भी हो गया और नंबर भी इसमें सबको जिन की गलती ये थी उनको एक नंबर भी यहाँ पर मिल गया। ठीक है जी, सिस्टर अनीस जी काफी देर से आपका हैंड रेज था। जी सर, मैं वेट कर रही थी कि आप कंप्लीट कर लें। सर एक तो ये भी मेरा भी ये प्रॉब्लम था मकतब वाला और तहता वाला, कि मैंने पहले तहता क्लिक किया फिर मकतब किया, वो इस्म ज़र्फ की वजह से, क्योंकि इसी से पिछले कुछ इस पे पॉइंट भी रेज किया गया था। अच्छा, दूसरा सर अभी का वाला जो है ना वो भी मैंने डिस्कस करना था कि उसमें भी एक ऑप्शन जो है वो मबनी वाला आ रहा था और इसमें भी हमने मबनी जो है वो ज़मायर लेसन में भी थे, तो मतलब वो इसलिए मुझे और का के नीचे नहीं, वो तो एक टेक्निकल एरर अगर कहें तो देखता हूं अगर क्विज भी खुला हुआ है तो एक सेकंड। ये है मेरे सामने क्विज और इसमें सवाल ये था कि जो खत कशीदा हैं उनके बारे में बताना था, राइट? और नहीं ना सैयार तो अभी का ये तो ये यहाँ पर देखे ना का और फिर ये बीच में भी ये दो आए हुए हैं, अब ये फॉन्ट की खराबी की वजह से ये वो हो गया, वो मैंने नोटिस नहीं जी, मैंने के नीचे देखा अंडरलाइन जी काफ के नीचे तो अंडरलाइन मतलब नजर आ रहा है वाजे ना, बाकी नजर नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा आपका मैं कहूँ कि आपके उसका ब्रेन का भी टेस्ट था, इसके बारे में तो सवाल किया ही नहीं जा सकता ना कि का जो है वो तो मतलब कंफर्म है कि ये मजरूर है और का फिर ज़मीर भी है, सवाल तो अभी के बारे में ही होगा कि मुदाफ ही के अंदर तब्दीली आएगी, या अगर कुछ लोग और आपके साथ शामिल हो जाए इस रिजल्ट की स्लाइड और दिखा देंगे प्लीज, आपने रिजल्ट जो शेयर किया था उसकी स्लाइड तो मैं भी शामिल हूँ इसके अंदर जो है ना, ये शामिल है लाइन पूरी नजर नहीं आया, मैं कहा के नीचे लाइन देखी वो छोटी वाली जो था ना, वाला पूरे लफ्ज को देखना चाहिए था ना, जब पूरे लफ्ज को अगर लाइन होता ना फिर आसानी हो जाती कि जी हम इसको मैंने किया हुआ है ये सारे को किया है, लेकिन वो इसका अब ये अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब इसका क्वेश्चन दिखाइए जरा, इसका क्वेश्चन दिखाएं ऊपर, इसका क्वेश्चन दिखाइए खत कशीदा अल्फाज का इराब, खत कशीदा
हाँ तो अंडरस्टूड है ना, का को तो मजबूर ही होना है ना। वो हो गए, तीसरे एक एक अगर और आ जाए तो फिर चले इसको रिव्यू कर लेते हैं। एक सिस्टर अनीस है, एक शफीक साहब है। अच्छा जी, चले कोई नहीं, नंबर्स का तो इतना इशू नहीं है। क्यों सिस्टर अनीस, ऐसे ही है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल इशू नहीं है नंबर्स का। सीखना है असल तो, सीखना है तो बाकी अगर नंबर चाहिए हो तो एक टोकरी हमारे पास रखी हुई है जिसमें हमने नंबर रखे हुए होते हैं, उसमें से आपको दे देंगे इंशाल्लाह। तो और तो कोई नहीं है, कोई किसी के जहन में कोई कमेंट नहीं है तो हम फिर आज का शुरू कर लें। ये वाला तो मतलब मैं देख रहा था, इसमें तो कोई रिवीजन करने की बात ही नहीं है ऐसी। पहले जब हमने पढ़ा तो नहीं किया कि लेसन नंबर 6 तो हमारा ज़र्फ के मुताबिक है ना, तो हम थ्रू आउट इसको कहते हैं जी इस्म ज़र्फ, और उसके नेक्स्ट लेसन को हम कहते हैं इस्म आलाम। तो मैंने अब ही नोटिस किया कि इस पूरे लेसन में डॉक्टर फे अब्दुल रहीम ने तो ज़र्फ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, वो कहते हैं ये इस्म जमान है और इस्म मकान है। फिर मैंने किसी और टीचर से भी ये बात सुनी ना, मैं कहीं पे देख रही थी तो वो बता रहे थे कि नहीं इसको इस्म जमान और इस्म मकान कहते हैं, इसको इस्म ज़र्फ नहीं कहते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस आ गया। इसके अलावा हमारे जो डॉक्टर अपने अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम है, उनका मैं पुराना वाला देख रही थी जब जिस जमाने में हम QC2 में थे और हमारे पास वो फोटो कॉपी वाली बुक थी, तो उस वक्त हमने इन चीज़ों को इस्म ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान की टर्मिनोलॉजी के तहत ही पढ़ा था, और यही हमें समझाया गया कि टेबल से डिराइव होने वाले जो है वो इस्म ज़र्फ़ होते हैं। तो वो बात हमें अच्छी तरह से समझ है, मगर यहाँ पे सर ये इसको ज़र्फ़ कहने से क्यों अवॉइड ना सिर्फ करते हैं बल्कि उन्होंने ऑल टुगेदर इंग्लिश उर्दू की में किसी जगह पर उन्होंने उसको ज़र्फ़ तो नहीं कहा, तो ये ज़रा मुझे थोड़ा सा बताएं ना कि वो इसको सिर्फ कहते हैं इस्म ज़मान और इस्म मकान। सही है, वो ऑप्शन तो हो गया। मतलब सर वो जनरली मैं पूछ रही हूँ ना कि हमने इसको यानी इस कोर्स के हवाले से अलग लेना है और जनरली अलग लेना है, इस कोर्स में वो इसको कहते हैं इस्म ज़मान और इस्म मकान। मैं तो सिर्फ इस हवाले से पूछ रही हूँ, मार्क्स या टेस्ट के हवाले से नहीं। नहीं वैसे भी असल में देखें ज़मान और मकान भी क्या है तो वो ज़ुरूफ़ ही ना। लेकिन वो क्यों नहीं कहते इसको इस्म ज़र्फ़ क्यों नहीं कहते, हम तो शुरू से इसको इस्म ज़र्फ़ नहीं, उनके पास कोई रीज़न है ना सर इसकी, वो कुछ इसको एक्सप्लेन करते हैं ना। तो मैंने कहा शायद आपने भी इसको देखा होगे इसको वो क्यों सिर्फ मैंने इस एंगल से सोचा नहीं है, अब मैं देखता हूँ अगर कोई इसकी रीजन मिलती है कि इसको जो नहीं कह रहे अस्माए उसमें शामिल नहीं कर रहे वो क्यों नहीं कर रहे, अगर कोई रीजन दी है उन्होंने तो। मतलब ज़र्फ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते वैसे तो हम ऑब्वियसली उसको हमने तो वैसे ही समझा हुआ है और वो ठीक है कॉमन सेंस है। मे बी इसी चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए कि उन ज़ुरूफ़ के साथ ये फिर फिक्स हो, शायद इस वजह से इनको अलग से अल मकान व ज़मान कह रहे हूं। बारे में इस्म ज़मान सिर्फ इस्म ज़मान कहते हैं इसको, इसमें ज़मान या इसमें मकान। जी ठीक है, चलें इसको मैं थोड़ा सा देख लूंगा और अगर कोई इसकी वजह मिली तो फिर आप लोगों से शेयर कर लें। अच्छा अब जो आज के अजान हो गई है, ओके जी। तो अजान अगर 6:17 हो रहे हैं जी, हो गई अजान, चलें तो फिर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ही वापस आते हैं। तो इसमें तो टेबल्स हैं, टेबल्स को हम जो है वो देख लेंगे और जो एक दो चीजें इसमें नई मतलब नई तो नहीं है, ऑलरेडी हम रिवीजन ही कर रहे हैं। तो इसमें एक मजहूल आया हुआ है, मजहूल कैसे बनेगा, इसमें फाइल और इसमें मफूल कैसे बनेगा, और यही इसमें जमान और मकान कैसे बनेंगे। तो मेरा ख्याल है ये तो मतलब कॉन्सेप्ट तो तकरीबन सबके क्लियर हैं, बस उसको क्विकली रिवाइज करके फिर लेसन को एक दफ़ा पढ़ लेंगे और तमारीन देंगे। तो वापस आएंगे हम ब्रेक के बाद इंशाल्लाह 50 पे। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकअल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بریک کے بعد آپ سب کو خوش آمدید جی آج کا جو ہمارا ریویژن ہونا ہے یہ سبق نمبر ہے 4, 5 and 6 تو موسٹلی تو اس میں ٹیبلز بتائے گئے ہیں اس میں جو اہم ٹاپکس آ رہے ہیں وہ ہے اس میں فائل اس میں مفعول یہ آ رہے ہیں جو مطلب ہمارے صحیح والے ہیں اس میں سے اور اسی طرح مضاعف میں سے ناقص اور اس کے ساتھ ساتھ اجوف واوی اور یائی دونوں میں آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ہے ما الحجازیہ اور اسماء المکانی الزمان اور فعل مجهول یہ ٹاپکس ہیں یہی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور تو ایسا نہیں ہے جو میں نے مس کر دیا ہو بس یہی ٹیبلز ہم آلریڈی پڑھ بھی چکے ہیں ٹیبلز کی ہم نے کتنے ٹیبلز پڑھے ہیں جی 6 ٹیبلز ہیں کیو سی کورسز کو بھی ملائیں اور اس کو بھی تو بیسیکلی 6 ٹیبلز بنتے ہیں ایک فتح نصارا ضرب سمع کرما اور حسیبا اور مادے کے حساب سے اگر ہم مادے کے حروف کو دیکھیں تو اس میں جو تقسیم ہوتی ہے مادوں کی وہ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے آ جاتا ہے صحیح اور اس کے ساتھ آ جاتا ہے معتل صحیح میں پھر 3 کیٹیگریز آ جاتی ہیں صحیح سالم محموز اور مضاعف یہ تینوں صحیح ہیں سالم سے مراد جیسے فتح کہ اس میں حمزہ بھی نہ ہو ڈبل حرف بھی نہ ہو اور کمزور حرف بھی نہ ہو نہ کمزور حرف ہو نہ حمزہ ہو اور نہ ہی کوئی حرف ڈبل آ رہا ہو تو ایسے کو کہیں گے سالم صحیح سالم اور اگر حمزہ والا ہے تو وہ محموز ہوگا اور اگر کسی جگہ پر ڈبل حرف آ رہا ہے ایک مادے میں ایک حرف دو دفعہ آ رہا ہے تو وہ مضاعف ہے یہ کلیئر ہے سب کو معتل کی پھر 3 صورتیں ہیں جن میں سے ہر ایک کی 2 صورتیں ہیں معتل الفاء معتل العین اور معتل اللام معتل الفاء کو کہیں گے مثال معتل العین کو اجوف اور معتل اللام کو ناقص سوچ رہے آگے جو 4 شیڈ بڑھا رہے ہو ایک لیول پہ ہی آگے تھوڑا سا لٹک دے گا اور پھر اس کے بعد اس کی بھی 2 صورتیں ہیں مثال
वावी और मिसाल याई, अजवफ की भी दो सूरतें वावी और याई, और नाकिस की भी दो सूरतें वावी और याई। ठीक है जी, ये एक हमारे सामने पिक्चर आ गई मादों के हिसाब से जो हमारे पास टेबल्स बनते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। ये महमूज भी तो ऐसी हो जाएगा ना, महमूज बिल फा बिल ऐन बिल नाम, महमूज में जी, महमूज में फिर तीन आ जाएंगे, महमूजुल फा, महमूजुल आइन और महमूजुल लाम। महमूजुल फा की मिसाल हमारा, महमूजुल आइन की मिसाल सअला, महमूजुल लाम की मिसाल क़रअ। फा से मुराद फा कलिमा जो है वो हमजा है, आइन से मुराद आइन कलिमा हमजा, और लाम से मुराद लाम कलिमा हमजा। तो उसके बाद अब अगर हम जाएं तो ये हमारे पास जो टोटल टाइप्स बनेंगी किसी भी फेल की वो आ जाएगा सालिम, महमूज और मुदाफ, ये सही में आ जाएंगी, और इसमें फिर मिसाल वावी, मिसाल याई, अजवफ वावी और अजवफ याई। इसी तरह नाकिस वावी और नाकिस याई, मिसाल वावी की मिसाल वाहबा वादा, याई की मिसाल कम होता है ये बरल होता है यसीरा, ठीक है ईसा जी। सिस्टर सीमा सर, दो बातें थी, एक तो मुझे ये पूछना था कि ये जैसे सही और गैर सही फेल की जो आपने डिवीजन की है, तो कुछ ग्रामरियन क्या ऐसे भी कहते हैं कि सही फेल में सिर्फ सालिम आते हैं और गैर सही फेल में ये महमूज और मेरे मेरे मेरी जो अब तक की मतलब मैंने जो बुक्स वगैरह देखी तो ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि सही में सिर्फ सालिम है और बाकी सारे उसमें गैर सही में ये सारे चारों आ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। वो सभी ने यूं ही कहा कि सही के अंदर तीन कैटेगरीज बनेंगी और इसी तरह मुअत्तल के अंदर तीन कैटेगरीज बनेंगी। सर ठीक है, अच्छा सर इसी तरह से जैसे आपने इन सब की मिसालें बताएं तो मुदाफ की भी तो फिर होती है ना दो टाइप्स, लफीफ और मक़रून, जैसे ये बावी ये मिसाल अजबफ की वो लफीफ मक़रून मफ़रूक जो है वो हमने आगे जाके किसी और लेसन में कवर किया हुआ है, इसलिए अभी इसको छोड़ दिया है यहाँ। ओके, जब वहाँ आएगा कम है, जब आएगा तो वहाँ पर उसको डिस्कस कर लेंगे। नाक़िस वावी की मिसाल दा और तला, और नाक़िस याई की मिसाल हदा और जज़ा वगैरह। ठीक है जी, मुदाफ की मिसाल नहीं थी तो वो देख लेते हैं यहाँ पे, वन्ना ले लेते हैं। ये सारी हमारे पास अब आ गई। अब इसमें से हमने सबसे पहले तो बनाना है इसमें फाइल, जब ये तीन हर्फी फेल होते हैं इसको कहा जाता है थुलासी, सॉरी ये पेश थुलासी मुजर्रद। थुलासी से मुराद ये है कि इसके माध्यम में तीन हरूफ हैं, और मुजर्रद से मुराद के बस पहला जो फेल बन रहा है माजी वो उन्हीं तीन ही से बनकर बन मिलकर बन रहा है। मुजर्रद अकेले को कहते हैं, तन्हा को, यानी सिर्फ तीन हरूफ वाला फेल। तो सुलासी मुजर्रद के जितने भी टेबल्स आएंगे उनमें से इसमें फाइल बनेगा फाइलुन के वजन पर,
और इसमें मफ़ूल बनेगा मफ़ूलुन के वजन पर इब्तदाई तौर पर, फिर उसमें बाकी जो है वो आ जाती हैं जो उसके रूल्स, मतलब मुअतल होने की वजह से या मुदाअफ होने की वजह से जो उसके रूल्स आते हैं उन रूल्स की वजह से उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस आएंगी। तो सालिम के जो टेबल्स हैं उनकी तो हमारे पास बिल्कुल आसान और सादा से बन जाएंगे। मसलन कताबा है तो कताबा से इसम फाइल बन जाएगा कातिब और मफ़ूल बन जाएगा मक्तूब। इसी तरह सरफा है तो इससे बन जाएगा सारिक और मसरूक एंड सो ऑन। खलाका से खालिक और मखलूक बन जाएगा। और अगर हम जाएं मुअतल अल्फाज में तो मुअतल अल्फाज से बल्कि इसमें सालिम के साथ आगे हम चलें अगर तो महमूज में भी इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आएगी। अमारा से ये बन जाएगा आमिर और मूर और साला है तो ये बन जाएगा साइल और मसूल, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। परा से कारी उन और मकरू उन, इसके बाद औकात जो है वो जवाज के तौर पर मकरून कर दिया जाता है लेकिन वो असल नहीं है किसी आर्जे की वजह से, आर्जी तौर पर होता है ये, लेकिन बेसिक जो बनेगा वो यही बनेगा मकरून। तो सालिम और महमूज में कोई चेंज हमें नजर नहीं आएगा, जैसा इसका बेसिक वजन है उसी तरीके से इसम फाइल और इसम मफ़ूल बन जाएगा। मुदाअफ में जाकर ये तब्दील होगा कि जैसे दन्ना है, बल्कि दन्ना की बजाय यहाँ मिसाल दी गई है हज्जा की, तो हज्जा से ये बन जाएगा हाजुन, ठीक है। और चूंकि इसका वो नहीं बनता इसम मफ़ूल हज्जा वाले का, उसने हज किया, इसलिए उसका इसम मफ़ूल जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। बहरहाल वैसे अगर बनाएंगे तो जन्ना से अगर लें तो जन्ना उसने गुमान किया तो मजनून बन जाता है, वो अगर मिसाल हम ले लें तो जानुन और मजनून, तो इसम फाइल में तब्दीली आएगी कि जानुन, वो जो फाइलुन वाला वजन था असल, अब ये हाजुन है तो ये असल में क्या था हाजिजुन। अब ये दोनों चूंकि एक जैसे आए हैं तो इसलिए उनको मर्ज कर दिया या इदगाम कर दिया तो ये हाजुन बन गया। मुअतलुल फा की अगर मिसाल लें तो मुअतलुल फा में वहाबा है तो वाहिब और मौहूब बन जाएगा, वजन सेम रहेगा इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है मौहूब। और जब मुअतलुल आइन होगा अजवफ तो उसमें एक चेंज आएगा कि काला से अगर हम बना रहे हैं तो असल बनना चाहिए काविलुन, लेकिन ये एक रूल के तौर पर हम लेते हैं कि इसमें फाइल में ये जो अलिफ है इस अलिफ के बाद अगर कमजोर हर्फ आ रहा हो तो उसको हमजा बना देते हैं तो ये बन जाएगा काइलुन। और इसमें मफूल इसका मकूलुन बन जाएगा मकूलुन। सर प्लीज इसको जरा रिपीट कर दीजिएगा या काविलुन वाले को। अच्छा मैं करता हूँ, असल में ये था मकबूलन, काइल हम पढ़ते हैं, ये असल में था काविलुन क्योंकि फाइलुन के वजन पर अगर हम इसको लें तो ये बनेगा काविलुन। तो एक रूल है कि इसमें फाइल यानी फाइलुन के वजन पर जब अलिफ के बाद कमजोर हर्फ आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है काविलुन, इसी तरह ज्यादा में जाए तो जायिदुन बनता है असल में जायिदुन, तो ये कमजोर हर्फ फाइल फाइल का वजन था और उसमें फा के बाद जो अलिफ है इस अलिफ के बाद
कमजोर हर्फ आ रहा है तो इस कमजोर हर्फ को हमजा में कन्वर्ट कर देते हैं, जा का से काइलुन और ज़ादा से ज़ाइदुन बन जाता है। और मकबूलुन था असल में, तो ये रूल हम QC2 में भी पढ़ चुके हैं, कई दफा रिपीट करते हैं हम, ये बड़ा आसान सा और मशहूर रूल है कि कमजोर हरूफ पर हरकत पढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए उस हरकत को या तो ख़त्म कर दिया जाता है अगर उससे पहले वाला हर्फ ऑलरेडी हरकत वाला हो, और अगर पहले वाला हर्फ साकिन हो तो फिर कमज़ोर हर्फ की हरकत जो है वो पीछे पिछले जो सही सेहतमंद हर्फ है उसके सुकून को हटाकर उसकी जगह पर कमज़ोर हर्फ की हरकत वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये मकबूलुन में ऑफ साकिन था और उसके बाद वाव कमज़ोर है ये हरकत वाला, तो इस वाव की हरकत पीछे ले गए तो ये बन गया मकूलुन, दो वाव साकिन आ गए हैं तो इसको कहते हैं इल्तिफा उस साकिनैन, तो एक को जो है वो खत्म कर दिया तो ये बन गया हमारे पास मकूलुन। ठीक है जी, तो ये अजवफ का था। और उसके बाद आ जाते हैं आखिरी नाकिस वाला, नाकिस में हमने पढ़ा दहा से दाइन जो असल में था, इसमें से वो याई वाला भी बता दें साथ, याई वाला भी समझ आया। अच्छा, याई का जो वो है क्या कहते हैं याई का मफूल जायद से जी सर, अजवफ याई का जो दोनों फाइल और मफूल दोनों का नहीं समझ आ रहा था ना, इसमें फाइल तो सिंपल है ना, असल में था जायदुन या के साथ था, वही रूल आया फाइल की अलिफ के बाद या कमजोर हर्फ आ रहा है तो इस या को हमजा में कन्वर्ट कर दिया तो ये बन गया जायदुन। ठीक है, ये तो इजी है, काइलुन और ज़ाइदुन सेम है। मजीदुन में थोड़ा सा मसला आया, वो क्या है कि मजीदुन में असर क्या था मफ़ूलुन के वजन पर मज़यूदुन, यही था मज़यूदुन। अब यहाँ पर क्या है, या की हरकत जो है, या की हरकत को यहाँ पर इन्होंने सिंपल कहा जी के सेकंड रेडिकल हैज बीन ड्रॉप, के जो दूसरा वाला था उसको हमने ड्रॉप कर दिया, यानी या को हमने हजफ कर दिया और ये बन गया ये बन गया वाव आ गया और या चली गई। अब जाल भी जा भी साकिन है और वाव भी साकिन है, और फिर सिंपली बता दिया कि इसको हम यूं समझ सकते हैं कि इसके मुदारे में या है, इस या का लिहाज रखते हुए हमने इस दो साकिन है या तो दो साकिन में से किसी एक साकिन को हमने हरकत देनी है, तो कमजोर हर्फ जो वाव है इसको तो हरकत दी नहीं जा सकती, तो जा जो सेहतमंद है इसको हमने हरकत देनी है तो क्या दें, तो टेबल के अंदर चूंकि या था मादे के अंदर या था तो उस या की मुनासबत से हमने इसको जेर दे दी, जब ये जेर दी तो अब ये वाव जो बाद वाला था वो या में बदल गया तो ये बन गया मजीदुन, उसका ख्याल रखते हुए ताकि ये उस दूसरे के साथ क्या वो मिक्स अप ना हो जाए। जी सिस्टर अनीस। सर ये हम लोग जिस तरह से करते थे मैं आपको जरा बताती हूँ, देखें आपने जिस तरह से बताया है और जिस तरह से मतलब के क्लास में हम डिस्कस करते रहे कि जैसे अब ये मज़यूदुन बन रहा है ना, तो इसमें वाव जो है वो चूंकि कमजोर हर्फ है और इस पे जज़्म भी है तो इसको गिरा देंगे मज़यूदुन बन जाएगा। अब या जो है वो अपने ऊपर पेश पसंद नहीं करता तो इसके नीचे जेर ले लेगा ये, और फिर क्योंकि जेर पीछे एक वो है मतलब कलमा जा कलमा है जो कि वीक नहीं है तो वो जेर जो उससे शिफ्ट हो जाएगी और ये मज़ीदुन बन जाएगा। इसको समझने का दूसरा तरीका जैसे हम करते रहे इस तरह से पहले भी के मतलब वीक लेटर जो उसके साथ होता है उसको हम गिरा देते हैं जज्म के साथ जिसपे हरकत नहीं होती, बगैर हरकत वाला, फिर जो हरकत वाला होता है उसको देखते हैं कि वो अपने ऊपर क्या पसंद करता है क्या नहीं पसंद करता, वो वाली बात कि वो पेश पसंद करता है या जेर पसंद करता है और अलिफ जो है वो ज़ाहिर अलिफ इसको यूं समझ लेते हैं, और वो जो जैसे सिस्टम ने बताया
कि वाव साकिन है और या जो है वो उसके ऊपर पेश है, जबकि या के मुनासिब हरकत जो है वो ज़ेर है, तो इस पेश को खत्म करके हम ज़ेर कर दें, इस पेश को खत्म करके हम ज़ेर कर दें, फिर ये ज़ेर पीछे शिफ्ट कर दें। ये मतलब समझने की आसानी के लिए तो हम इसको बना सकते हैं, लेकिन जो रूल यहाँ पर बुक में दिया गया है इंग्लिश साइड पे यहाँ पर दिया गया है, इन्होंने लिखा जी हेयर द सेकंड रेडिकल हैज बीन ड्रॉप एंड द वाव ऑफ मफूल हैज बीन चेंज्ड टू या। तो अब उन्होंने इसकी कोई वजह नहीं बताई है कि यहाँ पर क्यों किया गया। तो सिस्टर फरीहा इसमें अगर कुछ बता सके। जी सर, सर उसके रूल में वो ये कहते हैं, वैसे तो हम समझने के लिए किसी भी अंदाज से समझ सकते हैं, रूल में वो ये कहते हैं कि जो सीगे का है ना मफ़ऊल के पैटर्न में सांचे में वाव है ना, तो सीगे का जो वाव है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम मादे का जो या है कमजोर है चूंकि उस पर हरकत है उसको हम ड्रॉप करेंगे पूरे लफ्ज को विद हरकत, ठीक है ना, या विद पेश। तो जब उसको ड्रॉप कर देंगे तो फिर वो जो वाव है वो या में चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिर वो जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट इस तरह से वो जो बाकी सारी स्टोरी मुदारे के साथ मुनासबत या की मुनासबत, क्योंकि वो हाँ जी बेस इसमें यही बनाते हैं कि हमने सीगे का जो वाव है या पैटर्न का सांचे का जो होता है ना वो असल नहीं हमने ड्रॉप करने देना, हम मादे में से ड्रॉप करते हैं ना, इसी तरह मकबूल उनमें भी होता है ना मादे का जो पहला वाला वाव पेश वाला है ना उसको वो ड्रॉप करते हैं और जो आगे वाव जज़म वाला उसको वो रखते हैं, बाद में वो कहते हैं कि वाव जज़म वाला है तो उसकी जज़म को पीछे काफ साकिन पे मुंतकिल करेंगे, ये तरतीब वो बताते हैं ना किताब। ठीक, चलें रूल तो ये आ गया, बाकी हमारे पास आखिरी शक्ल क्या बनी है कि जब याई हो तो यानी अजवफ याई हो तो उसका इस्म मफूल जो है वो मजीद उनके वजन पर बनेगा, ये याद रखने वाली बात। रूल आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये रिक्वायर्ड होगा कि आप अजवफ याई का इसमें मफ़ूल सही सेलेक्ट कर सकें। अगर आपको मजूदुन दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका रूट लेटर अगर जा या दाल है तो फिर ये मजूदुन नहीं बनेगा बल्कि मजीदुन बनेगा। ऐसी दूसरा दिया गया है काला यकीलू से मकीलुन और बा यबीउ से मबीउन बनता है। तो जब याई हो तो उसका इसम मफ़ूल की आखिरी जो शक्ल है जो इस्तेमाल की जाती है वो मबीउन मजीदुन और मकीलुन, मैं लिख भी देता हूँ मकीलुन वगैरह बनेंगे। मबीउन, मबीउन किसको कहते हैं, जो चीज बेची जाए, मजीदुन जो ज्यादा किया गया, मकीलुन जिसका कैल किया गया वो जिसको नापा गया, और मबीउन बा उसने बेचा तो मबीउन जिस चीज को बेचा जाए उसको मबीउन कहते हैं। ठीक है जी, और नाकिस में आ जाएं तो नाकिस में दहा या दुरू से बना था दाइन, ये प्रैक्टिस तो हमने बहुत दफा कर रखी है कि असल में दाइवुन था, तो दाइवुन को फिर हमने जो आसानी से समझा है हमने वो उसी पैटर्न पे हम चलते हैं कि इसको हम यूं भी लिख सकते हैं दाइवुन। फिर इस जो है वो अब वाव पर हरकत है और उससे पहले आयन के नीचे अपनी ऑलरेडी हरकत मौजूद है, इसलिए यहाँ पर वाव की हरकत पीछे नहीं जाएगी बल्कि वाव की हरकत खत्म हो जाएगी। तो जब खत्म हो जाएगी तो अब ये आयन के नीचे वाली जेर चाहती है कि मेरे बाद वाला कमजोर हर्फ या हो, तो ये बन जाएगा दाइन। अब ये दो साकिन आए हैं तो साकिन में से अगर कोई कमजोर हो तो कमजोर को हजफ कर देते हैं तो ये बन जाएगा दाइन, और इसी को लिखने का दूसरा अंदाज ये है कि दो जेर के साथ लिख दिया जाए बजाय नून के दाइन। इसी तरह हदा से भी हादिन आएगा, यानी याई में भी और वावी में दोनों में इसम फाइल की शक्ल एक ही बनेगी दाइन, फादिन, हादिन, तालिन। सर इसमें जो ये आगे की जो तीन स्टार्स हैं उनको छोड़ के दाइगुन से दाइन कैसे बनाए, अगर हम एन के नीचे जेर हो और आगे दो तो दो जेर बन जा सकती है, ये मतलब इसी तरह से कोई सिंपल फॉर्मूला बन जाए ना, बिकॉज ये तीन स्टेप चार स्टेप तो बनाने मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा, इसमें दाइगुन से दाइन बना रहे हैं अगर स्ट्रेट अवे जी जी
तो कैसे है? अच्छा। कोई फॉर्मूला बन सकता है कि अगर एन के नीचे जेर है और आगे दो पेश हैं तो वो दो जेर में कन्वर्ट हो जाएगा? बात यहाँ पर वही आएगी ना जी डॉक्टर साहबा जी, वो भाई फार्मूला पूछे तो फार्मूले के चक्कर को छोड़े, ये तो इतना लंबा लंबे स्टेप है, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिर्फ ये याद रखें कि जो नाकस होता है चाहे वो वावी हो चाहे वो याई हो, दोनों के जो इस्मुल फाइल है ना वो ऐसे ही बनेंगे, दाइन तालिन फालिन हादिन जाजिन जारिन, सब दोनों के इसी तरह बनेंगे एक ही तरह। जो नाकिस है उनका आखिरी हर्फ इस्मुल फाइल में नहीं आता, नाकिस का आखिरी हर्फ चला जाता है और उसकी जगह पर तन्वीन नजर आता है, उसकी जो मजरूर फॉर्म और मरफू फॉर्म जो होती है वो जेर के साथ आती है, इतना याद। वो फाइल फाइलन वाला पैटर्न जो है ना इस्मुल फाइल का वो इसमें नहीं होगा और आपका वो जो मुदाफ है उसमें नहीं होगा, लेकिन उसमें हम इन इन करके नहीं आता ना, वो तो जान नून ऐसे आएगा ना, उसमें पेश के साथ आता है, उसमें पेश के साथ आएगा, इसमें जेर के साथ आएगा बस। तो शफीक साहब ये मशवरा अच्छा है कि फॉर्मूले के चक्कर में ना पड़े, ये याद कर लें कि जब भी नाकिस हो चाहे वो वावी हो या याई, जी जी ठीक है, जेर दो पेश है तो उसको पेश में कन्वर्ट कर दिया, सारून हो गया और इसमें ये ताइवन को हमने ताइन कर दिया जी, तो ये मतलब याद रखें कि नाकिस चाहे वावी हो या याई हो उसका जो बनेगा इसमें फाइल वो इसी पैटर्न पर आएगा, दाइन ये वाव वाला था और हादिन ये या वाला था, दोनों का सेम आ गया। जी सिस्टर सीमा सर, इसी तरह से हमने ये भी याद किया था कि इसी तरह से इस जो ये नाकिस होते हैं इनका जो इस्मुल मफूल आता है वो मदऊवन के वजन पे आता है, यानी पे आखिरी हर्फ पे शद के साथ पेश आता है जी। तो फिर हमारे आसानी से बन जाते थे, और किसी उसमें नहीं पड़े थे, मदऊवन इस्म मफूल आ जाएगा। तो ये तो सिंपल है, यानी वाव का वाव में इदगाम हुआ है, असल में मदऊवन था तो वाव का वाव में जो है वो इदगाम कर दिया तो मदऊवन बन गया, और ये महदूयुन था तो इससे महदीयुन बन गया, यानी मादे की या को और वाव को शद के साथ ले आएंगे, और अगर वाव वाला है तो मदऊवन बनेगा, दाइन से मदऊवन, तला यतलू से मतलूवन, और हदा यहदी या वाला था तो हदा से हादिन और महदीयुन, इसी तरह जजा यजी भी या वाला था तो उससे जाजिन और मजजियुन बन जाएगा, इसी तरह जरा यजरी से जारिन और मजरियुन बन जाएगा, इसम फाइल और इसम मफूल। इसी तरह ये मशवियुन को याद रखें तो मशवियुन जो है ना वो याद रहेगा आपको, खाने पीने वाला है ना ग्रिल्ड, तो मशवियुन किसको कहते हैं, ग्रिल किया हुआ जिसको ग्रिल्ड बारबेक्यू जैसा। तो ये इसम फाइल और इसम मफूल हो गए, उसके बाद जो है वो जो बनाने वाले काम थे वो था इसम मकान और इसम जमान, वो भी हम कर चुके हैं कि इसम मकान और इसम जमान में अगर हमारे पास टेबल, पहले हम टेबल्स को देख लें, तो टेबल्स में अगर मुदारे में मुदारे का आइन कलमा को देखेंगे, मुदारे का आइन कलमा, या दूसरे लफ्जों में कहें हम टेबल देख लेंगे, तो टेबल में अगर वो दरबा के टेबल से है तो फिर इसका वजन पैटर्न बनेगा मफ़ाइल, जैसे नजला यंजिलू से मंजिलुन, जलसा यजलिसु से मजलिसुन वगैरह। और इसके साथ एक दूसरी सूरत है कि मिसाल, मिसाल जो है वो चाहे किसी भी पैटर्न पर हो कि कोई भी हो, वावी हो या याई हो, दोनों सूरतों में इसका जो इसम मकान या जमान बनेगा वो मफ़ईलुन के वजन पर बनेगा, जैसे मौईदुन, मौकिफुन,
मौहिबुन या मौदिउन। अब ये पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये वदाअ यदाउ है, फतहा का पैटर्न है, और ये दोनों इनका तो खैर पैटर्न भी दरबा है। तो मिसाल जो है यानी जिसके शुरू में आ रहा है वाव या तो उस सूरत में दोनों सूरतों में ये मफ़ईल उनका वजन लेगा। ठीक है जी। और मफ़ालुन का वजन जब आएगा, जब मुदारे का आयन कलिमा जबर या पेश वाला हो, वो कहाँ का आएगा? फतहा, नसरा, समीआ, करूमा, इन चार पैटर्न से अगर कोई भी टेबल होगा तो वो बनेगा मफ़ालुन। मिसालें दी हुई हैं लाइबा या लाबू से मलअबुन, और कोई और मिसाल नहीं दी है यहाँ पे। दखल यदखुल से मदखलुन, नसरा का पैटर्न है तो मदखल। ठीक है जी। मुदारे में आइन कलिमा पर पेश या जबर हो तो उस सूरत में मफालुन का वजन आएगा, मदखल, मलअब, मखरज, मतअम, मतबख, मजबह। और उसके साथ साथ अगर नाकिस हो तो नाकिस की सूरत में भी जो है ये मफालुन का वजन बनेगा, जैसे जरा यजरी या वाला है लेकिन उसका बनेगा मजरन। असल में मजरा यून था, वो फिर बाद में रूल अप्लाई होके मजरन रह गया। और इसी तरह लहा यल रू से मलहन, मिसाल दी है मलहन। और जिसके आखिर में ता लगाई जाती है बाज़ों का पैटर्न के लिए, तो वो भी ऐड की जा सकती है इन दोनों में, मफ़इल में भी और मफ़ाल में। मफ़इल की मिसाल दी मंजिलतुन, और मफ़ाल की मिसाल दी मदरसतुन। तो इसके आखिर में बाज़ों का ता भी ऐड हो जाती है, जिसको ताए मरबूता कहते हैं। और हमने जो क्यूसी कोर्सेज में पढ़ा है उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि ये ता वाला जो आता है इसमें क्या चीज़ आती है, कि ये कसरत या किसी काम के रिपीटिशन को बयान करता है। मदरसा में बार बार पढ़ाई हो रही होती है रिपीट होने के साथ साथ, इसी तरह मकबरा, वहाँ हमने सिर्फ मफ़ालतुन पढ़ा था, यहाँ मफ़ईलतुन भी हमें मिल गया जी। सिस्टर सीमा सर, ये जो आपने मिसाल नाकिस की दी है वो नाकिस याई की दी है, नाकिस वावी का भी यही रूल है उसकी क्या मिसाल? यही है, यही है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। कोई मिसाल है इसके सेकंड के वावल का कोई जो है ना वो लिहाज नहीं किया जाएगा। लहायल हु जो है, ये लहायल हु है ना, वाव वाला है ना, मलहन जो मिसाल दिया ये वाव वाला है। ठीक है जी डॉक्टर साहबा। हाँ जी शराब साहब, ये पहले जब हमने इसको किया था लेसन को, तब हमने किया था कि लहा यलहू से मलहवुन, और फिर वो मलहा उसको हम पढ़ते हैं, इसी तरह से सहा या सहा से मसहा, और अवा या अभी से मावा, मतलब अलिफ मकसूरा के साथ है। नहीं, असल तो जो है ना वो उसी तरह है ना, खड़ी जबर के साथ है, वही रूल है कि अलिफ लाम जब आएगा तो फिर खड़ी जबर आ जाएगी, बगैर अलिफ लाम के डबल जबर के साथ, तन्वीन के साथ। लहा यलहू की मीनिंग भी बता दें प्लीज। लहा यलहू कहते हैं तफरीगा, तफरी करने की जगह। सर अगर अल होगा तो अल मलहा और अल मजरा हो जाएगा। जी, अल मजरा हो जाएगा, और बगैर अल के मजरन और मलहन हो। ठीक है जी, तो ये तो हो गया। अब आखिरी चीज जो इसमें थी वो है क्या कहते हैं, माल हिजाजिया। माक अल हिजाजिया को बाज जगहों पर शायद आपको ये मिले लिखा हुआ, इसको इसका एक और नाम मा अल हिजाजिया यहाँ पर लिखा हुआ है अरबी में, जिन किताबों में यानी जहाँ पर मीडियम ऑफ स्टडी भी अरबी ही है
वहां पर इसको मा अल हिजाजिया कहा जाता है। लेकिन अगर आप उर्दू की अरबी यानी अरबी ग्रामर की वो किताबें देखें जो उर्दू में लिखी हुई हैं, तो उसमें आपको इस मा का नाम एक और भी मिल जाता है, वो है मा मुशाबे बलईसा, कि ये लईसा की तरह, जैसे लईसा अमल करता है उसी तरह ये वाला मा अमल करता है। तो लईसा क्या करता है कि लईसा के बाद एक इसम जो है होता है वो मरफू होता है, और उसके बाद लईसा की खबर जो है वो मनसूब आ जाती है, और लईसा के साथ भी बाज़ुकात लईसा की खबर के साथ बा आ जाता है, इसी तरह इस माँ की खबर के साथ भी बाज़ुकात बा आ जाता है हरफ़ जर के तौर पर। और उस सूरत में जैसे यहाँ मिसाल दी है, मा अना बि गाफिलिन, मा अना बि गाफिलिन, तो ये मा अना अगर बा के बगैर हो तो फिर ये बन जाएगा गाफिलन। और इसी माँ की जगह अगर लईसा करेंगे तो लस्तु भी गाफिलिन और लस्तु गाफिलन, दोनों सूरतें इसमें जायज हैं। लईसल बैतु भी जदीदिन और लईसल बैतु जदीदन, कुरान में इसकी जो है वो दोनों तरीके से मिसाल बताई गई है। मा हादा बशरा सूरह यूसुफ में आया, और सूरह बकरा में आयत नंबर 74 वमल्लाहु बिगाफिलिन, तो बा के साथ और बगैर बा के दोनों सूरतों में ये मा कुरान में इस्तेमाल हुआ है, हो गया। और उसके बाद मजहूल है, तो मजहूल में वैसे तो सिंपल है, तीन हरूफ वाले जब अफाल हों तो फा माजी का मजहूल तो फ़ाला से फ़ुइला बन जाएगा किसी भी पैटर्न पर हो, और मुदारे का मजहूल या फालू से यु फालू बन जाएगा, चाहे कोई भी पैटर्न है फतहा नसरा दरबा समिया सबसे। इसमें सिर्फ एक जगह पर बताया है कि जब ये अजवफ हो तो अजवफ के अंदर जो है वो अगर आ रहा हो, अजवफ फेल हो तो उस सूरत में इसका माजी जो बनेगा वो काला से कीला की तरह बन जाएगा, बा से बिया, ज़्यादा से जीदा। जीदा हम सुनते हैं बाज़ुकात किसी बड़े का नाम लेते हुए, तो अलकाब जो आखिर में दुआया कलिमात बोले जाते हैं किसी के नाम के साथ, जैसे रहमतुल्लाह अलैहि और हाफिज़हुल्लाह, तो उसी में एक दुआया कलिमा कहा जाता है जीदा मजदू, उनकी बुजुर्गी को ज्यादा किया जाए, बुजुर्गी बड़े उनकी तो जीदा ज्यादा किया जाए। इसके अलावा तो कोई और टॉपिक तो नहीं है, टॉपिक्स तो यही हैं यहाँ पे। और अब अगर हम आ जाए तमारीन की तरफ लेसन वाली उस पर, और फिर मैं यहाँ से वन बाय वन हम कर लें तमारीन को थोड़ा सा हल। जी सिस्टर सीमा। सर एक चीज वो और वो थी ना इस उसमें था ज़र्फ़ पे कि जब अजवफ वो, हाँ जी, जब अजवफ बावी होता है तो उसका जो हम ज़र्फ़ बनाते हैं तो उसमें अलिफ लगा देते हैं, जैसा कामा यकूमु से मुकामुन। ये भी है, चलें अजवफ का जो है वो उसमें क्या है जी, मफ़ऊल के वजन पर। अच्छा यहाँ पर तो इसमें ऐसा नहीं दिया, चलें यहाँ इधर देख लेते हैं बुक में अरबी वाली साइड पे। तो 18 लोग मौजूद हैं, मैं वन बाय वन नाम पुकारूंगा और हम तमारीन को हल करेंगे, ठीक है जी। अब ये मेरा काम खत्म, अब आप लोगों का काम शुरू। आप लोग तैयार हैं? खामोशी रजामंदी की अलामत है, तो इसका मतलब है आप तैयार हैं। इनमें से इसमें फाइल बनाने हैं जी, पेज नंबर 41।
पेज नंबर 41 पे शुरू हो रहा है नंबर 3 सो अस्मा अल फाइलीन मिन अल अफाल अल आतिया। तो सिस्टर अनीस अकला यकुलू से शुरू कर लें और अकला याकुलू तक, ये जो एक रो बन रही है पहले वाली, इसमें सारे आप कर दें। ठीक है सर। फाइल कॉलम जो बन रहा है कॉलम में जी, सॉरी कतला यक्तुलु कातिलुन जहिला यजहलु जाहिलुन रका यरकाउ राकियुन जलसा यजलिसु जालिसुन शहीदा यशहदु शाहिदुन लईबा यलअबु लाइबुन सअला यसअलु साइलुन अकला यक्तुलु आकिलुन। सिस्टर अस्मा खालिद जी सर, अस्सलाम वालेकुम। दूसरा कॉलम अलिमा यालमु से जी। जी सर अलिमा यालमु आलिमुन सजदा यस्जिदु साजिदुन। अगर तर्जुमा भी बताती जाए साथ साथ, इसमें फाइल का आलिमुन जाने वाला, साजिदुन सजदा उसने सजदा किया, साजिदुन सजदा करने वाला, इसमें फाइल सर इसी तरह पढ़ना है। जी जी, इसमें फाइल का तर्जुमा सिर्फ बताती जाए जी। अच्छा ठीक है, एक का ठीक है। रकीबा यरकबु राकिबुन सवारी करने वाला जी, सवार होने वाला, सवार होने वाला। खदमा यखदिमु खादिमुन क्या कहेंगे सर, खिदमत करने वाला, खिदमत करने वाला, करने वाला सर, करने वाला। करीहा यकरहु का खिदमत करने वाला, ठीक है। करीहा यकरहु कारिहुन ये होता है वो नापसंद करने वाला, करीहा से जी, ठीक। अकला याकिलु आकिलुन अकल वाला, बरा यबरा बारी उन बनाने वाला, अमरा यामुरु आमिरुन हुक्म देने वाला, हुक्म देने वाला जी, बिल्कुल सही। सिस्टर अस्मा सलमान नंबर 4 है, ये जुमले लिखे हुए हैं तो इनमें से पहले 4 जुमलों में से आप ढूंढ लें इसमें फाइल कहाँ पर आ रहा है जी। सिस्टर फरिया आप कुछ कहना चाह रही हैं? सिर्फ एक बात थी सर, छोटा सा पॉइंट था कि बारे उनके जो स्पेलिंग्स हैं उसमें अगर मेरे ख्याल सही स्पेलिंग होते हैं कि या के ऊपर हमजा को बिठाया जाता है ना बारी उन, तो वैसे उस तरह भी लिखते हैं कि सिंपली लोग हमजा पे पेश तनवीन डाल देते हैं, तो इसमें ये मिस्टेक होती है या इसको एक्सेप्टेबल होते हैं बारी उन दोनों तरह से? नहीं, हमजा लिखने के कुछ रूल्स हैं, अगर वो उससे पहले या वो आ रहा हो, अलिफ के बाद हमजा आ रहा हो तो वो अकेला हमजा लिखा जाएगा जी, इसके नीचे चूंकि ज़ेर है ना, रॉ के नीचे, इससे पहले ज़ेर है तो फिर वो या के ऊपर लिखा जाएगा, और अगर पेश हो तो फिर वाओ के ऊपर लिखा जाएगा जी। सर ठीक है सर, तो किस तरह लिखेंगे लिख के बता दूंगा, बारी उनको, बारी उन तो लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है सर, थैंक यू जज़ा जी। सिस्टर ताजुन निसा सर, ये जाहिल उनका क्या तर्जुमा करेंगे? जाहिल, जाहिल का तर्जुमा जाहिल ही करेंगे, जाहिल होने वाला, जाहिल कहते हैं ना, जाहिल का यानी जो ना जानने वाला, ना जानने वाला, मतलब जाहिल तो जाहिल है ना, हम उर्दू में भी जाहिल को जाहिल ही कहते हैं, लेकिन इसके साथ तो वो करना है ना कि वाला कौन से वाला होगा ये जी। सिस्टर अस्मा सलमान खिलाड़ी थी जी। जी सर, सर पहला जुमला है मन कातिलुन अलीयिन रजी अल्लाहु अन्हु, सही पढ़ेंगी, सही पढ़ें पहले जुमला, सही पढ़ें, मन कातिलु अलीयिन रजी अल्लाहु अन्हु अनहु। आपने गलती क्या की थी सर? आपने कातिलुन पढ़ा था, मन कातिलुन अलीयिन पढ़ा था, कातिलुन नहीं है, मन कातिलु अलीयिन। जी 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 ठीक है सर, इसमें कातिलु जो है ये है इस्मुल फाइल, और ये मन की वजह से जो है मेरे ख्याल में इसकी तनवीन खत्म हो रही है ना? नहीं, तनवीन खत्म होने की वजह क्या है सर? मन नहीं, मन नहीं है, मन अस्मा पर तो कोई अमल नहीं करता, कोई और इनकी हेल्प करें जी, कातिलु पर तनवीन क्यों नहीं है? क्विकली सर, मुदाफ बन रहा है, मुदाफ बन रहा है
मुदाफ बन रहा है इसलिए इस पर तनवीन नहीं आई। जी अगले जुमले पे आ जाएं, तर्जुमा भी साथ साथ करती जाएं जुमलों का ताकि तर्जुमा भी थोड़ा सा रिवाइज होता जाए। सर मैं ना आज पहली दफा बहुत अरसे बाद आई हूँ, मैं मदीना बुक ले नहीं रही थी तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ। चलें मैंने इसका एग्जाम भी ऐसे ही दे दिया था। चलें आपको दो चार की बजाय दो कर लें, एक ये और एक और कर लीजिएगा और फिर आगे चले जाएंगे। जी मन मन कातिल अली, कौन था कातिल अली का, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का। ठीक हो गया, कौन था कहने की जरूरत नहीं है, कौन है भी चलेगा। अली रजी अल्लाह अन्हु का कातिल कौन था। ला तनहर, ला तनहर असाइला मिलाकर पढ़ेंगी तो कैसे पढ़ेंगी। ला तनहर साइला जी। अच्छा सर इसमें है फाइल फाइल है साइला। ठीक है तर्जुमा क्या होगा। ला तनहर हर साइला, ला तनहर ना मत मत छोड़ो या मत झड़को साहिल को, मत झड़को सवाल करने वाले को। जी मत झड़को साहिल। कल सब आपकी बारी आ रही है, अपनी बारी पे कीजिएगा। एक तरतीब से चल रहे हैं तो ये आएंगे सब। पहले माइक बंद करें कर्नल साहब। जी डॉक्टर साहब आपकी बारी है, जी कीजिए। अगले चार कर लें आप या तीन कर लें। डॉक्टर रक्षंदा आप माइक ऑन। मेरी बारी है, ठीक है मैंने कर दी। ये अलदई का शाहिदुन अला मा तकुलू, क्या आपके पास कोई गवाह है जो आप कह रहे हैं उस पर जो आप कह रहे हैं। तो शाहिदुन यहाँ पर इस्मुल फाइल है, शाहिदा यशदु उसने गवाही दी तो शाहिद गवाही देने वाला। सही। नेक्स्ट है हुआ मजूसियुन आई आबिदु नारी, वो मजूसी है जैसे कि मसलन के आग की इबादत करने वाला, यानी आग की इबादत करने वाला। तो यहाँ पे आबिदु जो है ये है अबदा याबुदु से इस्मुल फाइल, और ये आबिदु इसलिए कि ये भी मुजाफ है नारिंद्रा, इसलिए इस पे सिंगल हरकत है। नेक्स्ट भी करना है, थर्ड भी। जी एक एक और कर लें। जालिकर रजुलुल जालिसु अमामल मेहराबी आलिमुन कबीरुन मिन अफगानिस्तान, तो यहाँ पर जालिसु जो है वो जलसा यजलिसु से इस्मुल फाइल है, और अलमा यालमु से आलमुन भी इस्मुल फाइल। इसका मतलब हुआ कि वो शख्स वो बैठा हुआ शख्स, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा तर्जुमा बनेगा। वो शख्स मेहराब के सामने बैठा हुआ शख्स बड़ा आलिम, अफगानिस्तान का बड़ा आलिम है। जी अरबी में तर्जुमा आखिर से, उर्दू में तर्जुमा आखिर से शुरू करते हैं। जी जी मेहराब के सामने बैठा हुआ वो शख्स अफगानिस्तान का बड़ा आलिम है। एक बड़ा आलिम। जी सिस्टर फरीहा तीन आप कर लें। जी नंबर सिक्स से करने। लाइबु कुराती कदमी अंता, क्या तुम फुटबॉल खेलने वाले हो, क्या फुटबॉल खेलने वाले तुम हो। लाइब यहाँ पे इसम फाइल है और लाइबा यलअबु से है मेरे समीर सोने से, तो इसका तो हो गया ना। फिर है ज़न्नुल आकिली खैरुम मिन यकीनिल जाहिली, या जाहिल बोलेंगे तो आकिल का गुमान बेहतर है जाहिल के यकीन से, तो इसमें आकिल भी इसम फाइल है और जाहिल भी इसम फाइल है, यही रहते हैं ना। फिर फ़अलतु ज़ालिका वह अना कारहुन लहू, मैं करूँगा ये, मैंने किया ये हालांकि मैं इसको नापसंद करने वाला था, मैंने ये किया हालांकि मैं इसको नापसंद करने वाला, तो इसमें कारहुन जो है ये हाँ जी और ये कारहुन जो है इसमें फाइल है करीहा से है, करीहा या करहा से। एक्सक्यूज मी सर, सर जन्नुल आकिलु जो आकिली जो है ये भी वही है, वो है मुरक्कब इज़ाफ़ी है। जी 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 और दूसरा यकीन जाहिल भी ऐसे है ना, जाहिल भी मरकब है, बल्कि ऊपर जो है ना लाइबु कुरती कदमी ये भी है ना,
आगे इस्तेमाल है ना, आगे लाइबु कुराती कदमी भी इसी तरह से कदमिन सिस्टर कदमिन तन्वीन से पढ़ेंगे कुराती कदम जी सर। ये इधर ऊपर मेहराब जो है ये मफेल के वजन पे भी आ गया ना, ये भी अभी अभी नहीं करना है। किस पर आया ये जो फिफ्थ वाले क्वेश्चन सेंटेंस में आया ना इमामुल मेहराब, ये मफेल का वजन आ गया ना? नहीं 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 मफेल का वजन तो नहीं है, तो मिफाल का वजन आला है मिफाल लेसन 7 में आएगा जी आज नहीं कर। सिस्टर गजाला नंबर 9 और 10 आप कर लें जी। सर आपने कहा 9 9 जी फातिहुल हां फातिहुल अंदलुसी तारिक बिन ज़ियाद, अंदलुस के फातह तारिक बिन ज़ियाद। एक तो फातह हो गया ये इसमें फाइल, और फिर तारिक भी हो गया तारका से। तारिक वो रात को चलने वाला या रास्ता बनाने वाला कुछ ऐसा मतलब है ना? रात को चलने वाला या रात को आने वाला जी। अच्छा एक दफा इसको जुमले को दोबारा पढ़ें सही। अच्छा उसके साथ जी ठीक है। फातिहुल अंदलुसी तारिक तारिकु तारिकु इब्न ज़ियाद। फातिहुल अंदलुसी तारिकु इब्न ज़ियाद तारिकु इब्न ज़ियाद। अच्छा 10 नंबर 10 है अन अनसा अनस अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याति अलन नासी जमानुन साबेरुम फीहिम। जमानुन पे वक्त मतलब रुक के असाबेरु फीहिम अला दीनी यूं पढ़ें असाबेरु फीहिम अला दीनी कल काबिज अलल जुमर अलल जमरी जीम पर जबर जमरी। अब ये इसका मतलब जरा मुश्किल है सर। सर याती है तो आने वाला हो गया अल्लाह से जमान। साबिर जो है जो अपने दीन साबिर तो और काबिज तो दो फाइल लग रहे हैं इसमें फाइल जी। लेकिन सबरा से ये जो साबिरन है जो अपने दीन पर सबर करने वाला यानी कायम है। कल काबिज अल जुम्र जुम्र का मतलब क्या है? बर्न जम्र अंगारा होता है ना वो आग का अंगारा। यानी कि जैसे कि दीन पे कब कायम रहना ऐसा है जैसे कि अंगारे को पकड़ने का इस तरह का कुछ मतलब है। जी 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 याती अलन्नासी ज़मानुन लोगों पर एक जमाना आएगा अस्साबिरु फीहिम अला दीनिही के उनमें दीन पर साबिर सबर करने वाला कल काबिज़ अलल जमरी ऐसा होगा जैसे अंगारा पकड़ने वाला। काबिज़ यानी हाथ में कुब्जा में पकड़ने को कहते हैं ना मुट्ठी में तो अपनी मुट्ठी में अंगारा लेने वाला। तो ये तो फिर आजकल का जमाना ही हो गया ऐसे ही है। 11 नंबर भी पढ़ लो सर। यहाँ पे काला ताला युरीदुना अन यखरुजु मिनन नारी वमा हुम बिखारिजीना। ये बिखारिजीना जो है ये इसमें फाइल जमा है जो मुजक्कर सालम है और मिनहा वलहुम अजाबुम मुकीम। मुकीम यहाँ पर माँ भी आ रहा है। माँ कौन सा है यहाँ पे? ये माँ तो हालिया अच्छा ये वाला माँ माँ हवा हालिया माँ हिजाजिया व माँ हम बेखारे जीना हम उसका इस्म होगा बेखारे जीना उसके खबर हो गया जी। मिन्हा वला हम अजाब मुकीम। मुकीम क्या है ये इसमें फाइल है? इसमें फाइल है लेकिन ये मजीद फीस है ना ये तो अभी हम इन लेसन में नहीं कवर कर रहे ये आगे आएगा। अच्छा ये अफाल से हो गया अफाल अकामा यूकीम ठीक है। चले ठीक हो गया जी जज़ाकुम अल्लाह खैरा जी। हबीबुर रहमान साहब इस आयत का तर्जमा अगर बता दें तो
سسٹر آپ کوشش کریں گی سسٹر غزالہ ترجمہ کی یریدونا ان یخرجوا؟ جی سر جی یریدونا اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اگر وہ ارادہ کریں گے وہ ارادہ کریں گے کہ وہ نکلیں آگ سے جبکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں اور ان کے لیے ٹھہرنے والا عذاب ہے یعنی سخت عذاب ہے ان کے لیے مستقل عذاب ہے جی جی ولہم عذاب مقیم چاہتے ہیں کہ وہ آگ سے نکلے جبکہ وہ آگ سے نکلنے والے نہیں اور ان کے لیے ٹھہرنے والا عذاب ہے جی جزاکم اللہ خیر حبیب الرحمن جی سسٹر انیس excuse me sir کیونکہ اس ماں کے بعد جو ہے وہ بی آیا اس سے ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ ماں جو ہے وہ تو اس کی یہ نشانی ہے کہ سر ہمیشہ جو ہے ماں کے بعد بی آئے گا ہمیشہ نہیں آئے گا نا یا اگر یہ نہ ہوتا بی نہ بھی ہوتا تو خارجین نصب کی حالت میں ہوتا ابھی خارجین کا اعراب کیا ہے یہاں پہ با کی وجہ سے یہ مجرور ہے اگر با کو ہٹا دیں تو پھر اس کو ہم نے منصوب سمجھنا ہے ماں کا ماں کی خبر جو ہے وہ منصوب آ رہی ہے ماں حجازیہ تو پھر ہم سر اس کا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم ماں کا میننگ نہیں ملے اور جو میں نہ لے ترجمہ تو نہیں کا ہی ہوگا نا اب وہ کانٹیکسٹ بتائے گا نا کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہاں پہ نہیں والا ترجمہ کرنا ہے یا جو والا ترجمہ کرنا ہے اب یہاں پہ اگر جو والا ترجمہ کریں تو وہ بنتا نہیں ہے نا یریدون ان یخرجوا من النار وہ ارادہ کریں گے کہ وہ نکلیں آگ سے وما هم بخارجین اور جو وہ سب نہیں جو وہ سب نکلنے والے ہیں اس سے یہ بنتا ہی نہیں ہے ترجمہ ولہم عذاب مقیم یعنی آگے بتایا جا رہا ہے ان کے لیے پکا عذاب ہے اور جو وہ نکلنے والے ہیں ایسا تو نہیں ہے تو یہ کانٹیکسٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ ماں یہاں پر حجازیہ نہیں کے ترجمہ میں جی سسٹر انیس سر یہ لیسن میں سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی ایک ریکنفرم کرنا چاہ رہی تھی کہ پیج 39 میں میں نے کہا اس سے پہلے کہ آگے چلیں حامد کہتے ہیں 1 2 3 4 5 یہ سکس مکالمہ ہے حامد کہتے ہیں ما ندری ہمیں نہیں معلوم وجدنا ہو مکتوبا عندما دخلنا الفصل تو یہ عندما جو ہے یہ یہ تو ہے تو ظرف مضاف الیہ نا لیکن اس کا مطلب یہ کہ مکتوبا عندما یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا پایا یہاں پہ اس کو دخلنا وجدنا ہو جب 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 ہم داخل ہوئے بالکل اچھا اور سر یہ اس کے بعد ہے نیکسٹ والا جملہ المدرس ماذا نعمل فالقفل مکسور ہم کیا کریں ماذا نعمل ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ اس کا یہ مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہم کیا کریں ہم کیا کریں یہ فا یہ اس کا مطلب یہاں پہ ایز ہے ایز بروکن جی سسٹر سیما جی سر یہ جو جیسے یہاں پہ ہے بے خارجینا یہ تو کیونکہ یہ با کی وجہ سے یہ مجرور ہو رہا ہے نا یہ زائدہ ہے لیکن اگر جو ہم سے اس کا اعراب پوچھا جائے گا تو اس کا اعراب تو ہم محلن تو یہ محلن مجرور ہے اعراب تو اس کا منصوب ہی ہوگا نا نہیں منصوب کیوں ہوگا ابھی ہم نے بات کی ہے خبر جو ہے یہ اس کی ماں حجازیہ کی نہیں یہ دیکھیں دونوں صورتوں میں آتی ہے نا ماں کی خبر جب آتی ہے با کے ساتھ تو وہ مجرور ہی کہے گی جب با کے ساتھ آئے گی تو وہ جار مجرور ہی ہوگی ایسے نہیں ہوگا کہ لفظاً مجرور ہے اور محلن منصوب ہے نہیں وہ ضرورت نہیں ہے کہنے کی ٹھیک ہے اچھا حبیب الرحمان صاحب آپ کی باری آئی تھی اور آسان والا سوال آ گیا آپ کے لیے یہ جو اسماء لکھے ہوئے ہیں ان کے فعل لکھے ہوئے ہیں اس کا اسم مفعول بنانا ہے تو پہلا کالم جو آ رہا ہے قتل علما ان کا اسم مفعول بناتے جائیں اور اسم مفعول کا ترجمہ بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ جی قتل سے قتل سے اسم مقتول مقتول ترجمہ مقتول
कुतिला कत्ल किया गया, नहीं कुतिला का नहीं, मक्तूल का तर्जमा करें, मक्तूल जो कत्ल हुआ, जिसको कत्ल किया गया या जो कत्ल हुआ, ठीक है। उलेमा मालूम, उलेमा से इल्म वाला तो मालूम, जिसको मालूम हुआ या मालूम है, मतलब जो जाना गया, जो जाना गया जी। सोएला मसूलन, जो सवाल करता है, जिसने सवाल किया, नहीं जो पूछा गया या जिससे पूछा गया, जिससे मसूल, जिससे पूछा। अच्छा, शोरेबा मशरूबन, मशरूबन तो पीने वाली चीज होती है या पीने को, पीने वाला, जिसको पिया जाए, जिसको पिया जाए। कुरिया मकरूउन, मकरूउन होगा ना, मकरूउन जी। ये तो कुरिया तो पढ़ने वाली है, तो मकरूउन जो पढ़ी गई हो, जिस चीज को पढ़ा जाए, जिस चीज को पढ़ा जाए। वजेदा मौजूदन जी, जो चीज मौजूद है, जो पाई गई है, जो मौजूद है, जो पाई गई है, मौजूद है। कुसरा जी, जी कुसरा कर लें आप, कर रहे थे तो जी जी कर लें आप, कंप्लीट कर लें अभी। गुरमान कुसरा मकसूरन, मकसूर टूट जाना, टूट गई या टूटी हुई, टूटी हुई, जिस चीज को तोड़ दिया गया, तोड़ दिया गया मकसूर जी। डॉक्टर साहिबा जी, मैं ये कह रही थी कि आइडिया ये है कि जो मजहूल फेल होता है वो मीनिंग दे रहा होता है इस्मुल मफूल वाला, तो अगर इसको ऐसे किया जाए कि जैसे कुसेरा वो तोड़ा गया, मकसूरुन जिसको तोड़ा गया, मीनिंग एक ही है ना दोनों का जी। इसी तरह कुतेला उसको कत्ल किया गया, मकतूलुन जिसको कत्ल किया गया, तो ये करने का एक्सरसाइज ये है बस जी। तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा एक वो रखा जाता है फर्क ना, तर्जुमा करते वक्त उर्दू में खास तौर पर, अगरचे हम जब उर्दू में बात करते हैं तो जब हम कहते हैं जिसको कत्ल किया गया, तो ये हमारे उसमें जरूरी नहीं है कि हम माजी की बात करें, हम मुजारे में भी कह लेते हैं, लेकिन जो इसम है ना, इसम फाइल और इसम मफूल, उसकी खासियत यह है कि उसमें कोई जमाना नहीं होता, तो उसमें काम का करना और होना तो होता है लेकिन उसमें जमाना नहीं होता, तो वो थोड़ा सा जमाने वाला एस्पेक्ट कहीं ना आ जाए, तो इस वजह से उसका तर्जमा दोनों तरह से बहरहाल में मिलता है, कुतिला जो कत्ल किया गया या जिसको कत्ल किया जाए, दोनों सूरतों में तर्जमा दुरुस्त है। और जो कत्ल किया गया ये चूंकि मतलब कुतिला से वो कत्ल किया गया और जो कत्ल किया गया ये करीब करीब है, एक हर्फ लफ्ज बदलना है सिर्फ, तो हम आसानी के लिए ये तर्जमा ले सकते हैं, ठीक हो गया। सिस्टर हिना अगला कॉलम आप कर लें जी। सर वुलिदा से मौलूदुन जी, जो पैदा किया गया, जो जना गया, जना गया। कुरिहा से मकरूहुन, जो नापसंद किया गया जी। उकीला से मकूलुन, जो खाया गया जी। और दुफिना से मदफून, जो दफन किया गया। उसीला से मगसूल, जो गुसल दिया गया, धोया गया, धोया गया। खुलीका से मखलूक, जो पैदा किया गया। और फुसीला से मफसूल, जो अलग किया गया, जो अलग किया गया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा जी। सिस्टर सर एक क्वेश्चन है, जी सलमान भाई जी 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 सर, ये जो अभी आपने मजहूल की बात की थी, तो ये तो माजी का मजहूल और मुजारे का मजहूल दोनों का मतलब, माजी वाले मजहूल का मतलब हम तर्जुमा करेंगे किया गया, और मुजारे वाले का करेंगे कि किया जाएगा, मतलब किया जाता है या किया जाएगा, ऐसे ही है जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, जज़ाकुमुल्लाह जी। सिस्टर नुजहत आप जी। सर जी ये अगला है नंबर 7, ये जुमले लिखे हुए हैं, इन जुमलों में से
इसमें फाइल और इसम मफूल को आपने पहचानना है। तो दो जुमले कर लें तर्जुमा के साथ, पहले दो फाइल अल मुदीर। फाइल अल मुदीर, कहा मुदीर ने लितालिबैन, तालिबैन से दो दो तालिब इल्मों से, मन मिनकुमा, कौन तुम दोनों में से, दारिबु मारने वाला है, व मनिल मद्रूबु और किसको मारा गया। तो दारिबु फाइल के उसमें आ जाएगा पैटर्न पे, और मद्रूबुन मफ़ूलुन के पैटर्न पे आ जाएगा। ठीक हो जी। फर्रल कातिलु, फरार हो गया कातिल, व नुकिला और मुंतकिल कर दिया गया, अल मक्तूलु जो जो मारा गया था उसको, इलल मुस्तशफा हॉस्पिटल। तो कातिलु जो हो गया फाइलु के पैटर्न पे आ गया, और मक्तूलु जो है वो मफ़ूलुन के पैटर्न पे आ गया। दुरुस्त, जज़ाकुमुल्लाह खैरा जी। कर्नल अयाज बशीर साहब, जी सर, अगले दो सर आप कर लें, नंबर थ्री और फोर। खबज़ना, खबज़ना अलसारिकी वलाकिन्ना लम नजिद लदैहिल मालल मसरूता। तर्जुमा, चोर को पकड़ लिया किसने? मैंने, हमने, हमने जी। वलाकिन्ना लम नजिद लदैहिल मालल मसरूत, और लेकिन लेकिन चोरी का माल, लेकिन चोरी का माल लम नजिद लदैहि, नहीं पाया उसके पास। लम नजिद लदैहि, नहीं पाया उसके साथ चोरी वाला माल। किसने नहीं पाया? वलाकिन्ना, हमने, हमने नहीं पाया। ठीक हो गया। तो इसमें इस्म फाइल और इस्म मफ़ऊल कहाँ कहाँ हैं? फाइल तो सारिक जो है वो फाइल है जी, इस्मुल फाइल है, इस्मुल फाइल, और मसरूक जो है इस्मुल मफ़ऊल है। ठीक हो गया। नंबर फोर कर लें, अजान। अजान उल मस्जिद नबवी मस्मूह फी जमी अहया मदीनतुल मुनव्वरा, मस्जिद नबवी की अजान हर तरफ सुनी जाती है मदीना मुनव्वरा में। अहया को कह सकते हैं कि हर महल्ले में, हय्युन की जमा, हर जानिब। हय्युन कहते हैं महल्ले को, महल्ला होता है ना, तो अहया उसकी जमा भी ले सकते हैं। बहरहाल दोनों सही हैं, हर तरफ भी या हर महल्ले में। हर महल्ले में, और इसमें सिर्फ मस्मून है जी। मस्मून क्या है, इस्मुल फाइल है या इस्मुल मफ़ऊल? मफ़ऊल, इस्मुल मफ़ऊल। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब अगले दो आप कर लें, नंबर फाइव और सिक्स। सर तो मस्मून का मतलब तो सुनने वाला हुआ ना? नहीं, जिसको सुना गया, सुनने वाला तो सामे होगा ना। ठीक है सर, सामे सुनने वाला है, मस्मून जो चीज सुनी गई। तो सर ये मस्मून जो है ये खबर हुई, अजान मुब्तदा हुआ और मस्मून खबर हुई। जी जी जी, कुल्तुल बकाली यूजदु लदैका दजाजुन मज़बूहुन, मैंने दुकान वाले से कहा या स्टोर वाले से कहा, क्या तुम्हारे पास ज़िबा किया हुआ मुर्ग है? जी, इसमें मज़बूहुन जो है वो इस्मुल मफ़ऊल है। ठीक हो गया। हाज़त
हाजत तालिबु मफसूलुन, ये तालिब इलम एक्सपेल कर दिया गया है, ठीक हो गया। इसमें मफसूलुन जो है ये इसम मफूल है और तालिब जो है तालिबु ये इसम फाइल है। इसम फाइल दोस्त तालबा यतलुबु से, ठीक हो गया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अच्छा जी सर, एक टिप्स है टेंथ में जो है, मुझे इसका मीनिंग प्लीज आप बता देंगे, ये जदू और लदई का, जदू जदा से तो होगा ना कि पाया, और लदई का क्या जदू है? नहीं है ना, यू जदू है, जदू नहीं है, सिर्फ यू जदू, आ यू जदू, यू जदू यानी ये है? क्या आपके पास है या क्या आप के आप आते हैं, और लदई का माना क्या, और यू जदू पाया जाता है। अच्छा सर, तो हम यहाँ पे खाली हमने लदा का क्या मतलब होता है सर, मुझे ये पता करना था, ये लदा अलग से आता है या किसी लदा का क्या माना है, आइंदा पास, तो लदा का माना भी पास है, आपके पास, लदई का आपके पास, आ क्या यूजदू पाया जाता है, लदई का आपके पास। अच्छा जी, अब बाकी ये जो दो जुमले हैं ये फिर आप इसी तरतीब पर अगले जो रह गए हैं उनको छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं नंबर 9 पे, और इसमें माँ की मिसाल दी गई है, और ये जुमला दिया गया है अंत मुजतहिदुन, और इसके साथ माँ हिजाजिया जब लगाएंगे तो ये दो सूरतों में बन सकता है, माँ अंत मुजतहिदन नसब की हालत में इसकी खबर है, या माँ अंत भी मुजतहिदिन हर्फ जर के साथ है। जी सिस्टर अस्मा, सिस्टर अस्मा खालिद। जी सर, मेरा पिछला सवाल था पीछे से, जम इन आई का मुझे बता दीजिएगा, ये आई ये जमा है? जी जमा है, किसकी ठीक है सर, बस ये पूछना था, थैंक यू। हय्युन कहते हैं उसको, सोसाइटी मोहल्ला टाउन उसके लिए आता है, उसकी जमा अहया। मलिक हाकिम साहब हमारे साथ, मलिक हूँ मैं मौजूद, मगर बिजली चली गई है, काम गड़बड़ हो गया, नजर कमजोर हो गई है। ओहो चलें फिर आप वेट कर लें, बिजली जब आएगी तो उस वक्त आप, मैं माजरत करता हूँ, माजरत करता हूँ, अभी बिजली चली गई सर, कोई नहीं, ये तो अब हम क्या करें, तो लाइट थोड़ी है, जी सिस्टर नौरीन आप कर लें, ये तीन जुमले हैं, तो पहले जुमले को अनाकारी उन है, इसको दोनों सूरतों में माँ हिजाजिया के साथ आप बना लें, कैसे बनाएंगी, माँ अंता मुजतहिदन और माँ अंता भी मुजतहिदिन की तरह। जी अनाकारी जी सर, ये नंबर 10 पे फेल लिखे हुए हैं, इनका मुदारे बता दें। जी सर, कफला यकफुलु, तर्जुमा माजी का तर्जुमा भी बताती जाए अगर साथ साथ, कफला वो कफील हुआ या काफी हुआ कुछ ऐसे, उसने जी मतलब जिम्मेदारी उठाई सर, किफालत से होगा, जी किफालत से, जी असीफा या असफ वो अफसुदा हुआ, ठीक है। वरदा यरीदू, सर वरदा का नहीं मांगने का, वो आया, वारिद होने वाला उर्दू में कहते हैं ना, वारिद हुआ, जी जी ठीक, आने वाला, वरदा वो आया, सबक सबका यस्बिकु वो सबका सर सबकत लेना है, आगे बढ़ना उसका वो है, वो आगे बढ़ा या उसने सबकत आगे बढ़ा, ठीक है। गफला यकफुलु ये एक्चुअली ये नसरा सा नहीं होगा, सबका यस्बिकु यस्बिकु और यस्बिकु बराबर
सिस्टर फरीहा ने हाथ बुलंद किया जी सर, दरअसल सही है सर, दरअसल सही है, सभा का यस भी हुई है जी जी सर, मैंने करेक्शन की हुई है, दरबा को काट के नसरा लिखा हुआ है जब लास्ट टाइम पढ़ा था। चलें मैं एक सेकंड एक दफा इसको रीकंफर्म कर लेता हूं, आप आगे चलें सिस्टर, मैं आपको जी ठीक है। गफला यक्तुलु, उसने गफलत की या गाफिल हुआ वो, नहरा यनहरु, उसने धुतकारा, फर्रा यफिरु, वो फरार हुआ, सलाका यसलुकु, सर सलाका का मायने बॉइल्ड भी आता है और रजामंदी कुछ ऐसे भी है इसका, सर इसके असली मायने क्या होंगे सही? सलाका यसलुकु ये है और बॉइल करना जी सर, ये पिछले एग्जांपल है हाजा बैजुन वस्लु, और एक और भी कहते हैं ना कि बदजबानी से किसी को तंग कर देना, तकलीफ तपा देना, किसी को तपा देना, वो बॉयल वाला ही हो गया, वो कुरान वो ही आता है, कहते हैं जी रोस्टेड सर, फर्रा फर्रा या फिरू का क्या मतलब है? फरार होना, फरार फरार उर्दू में यूज करते हैं ना, फरार या फरारी से याद रखें, फरारी फल फला का यफलिकु, उसने फाड़ा, नहारा जो है नहारा, रिपीट करते हैं, क्या कोरा बाबू ने इन्होंने नसरा नहीं, कौन सा फलाका, फलाका ये तो फलाका यफलिकु, फलाका यफलिकु तो नहीं, फलाका यफलिकु लेट मी चेक, नसरा से है, नसरा से आई थिंक नहीं सर, फलाका यफलिकु ये बाब दौर से आ रहा है, फाड़ना सुबह का जाहिर होना, ओके ओके सही है, जजाकल्लाह ये बाब नून से भी आता है, सीन से भी आता है, लेकिन यहाँ पे तो बाब नून से ही अबारा या अबुरु गुजरना भी है इसका और इबरत भी आता है इसका जी। अच्छा सलाका पे हमारी सबका, सबका दोनों में आ रहा है रफ साहबा, नसरा में भी है और दरा में भी है, दोनों सूरतों में है, माना दोनों में एक ही है जी। सिस्टर फरीहा जी सर, मैंने तो अभी सामने दो ही पढ़ी हुई थी लुगात, अभी मैंने चेक किए तो दराबा से ही है ना, मैं भी सोच रही थी कि ये नून से कहीं काट के लिखा हुआ था मैंने भी पहले ना, तो मैं सोच रही थी कि ये कहाँ से आया होगा, तो आपने देखा है उसमें देखा, आपने मिसबाह में देखा, कहाँ देखा जी? मिसबाहुल लुगात में ये दोनों से दिया हुआ है, नसर और दराबा दोनों से। अच्छा, क्योंकि नॉर्मल जो होती है ना पहली वाली बिगनर्स उनमें जरा नहीं दिया हुआ, बाकियों में दिया होता आगे। ठीक है ठीक है जी सर। सलक जी सलाका नसरा से जी, सलाका यसलुकु कुरान में आया, सलाकुकुम बि अलसिनतिन हिदादिन, तुम्हें वो तेज जुबानों से ताने देते हैं या ताने देंगे, ताने देते हैं सलाकुकुम। अच्छा जी, अगले लेसन पे आ जाए नंबर 5 में, मजहूल बनाना है सर, इसके एक क्वेश्चन रह गया, अब वो जमा बनानी है ना, वो तो चले बना लें, क्वेश्चन आ सकता है जमा का, यतीम की जमा क्या आएगी? यतामा, यतामा, उफल की जमा अकफाल, अकफाल, ये तो बहुत इजी वाली जमा थी जी, जिहत की जमा जिहाद, आबिद की जमा इबादन और आबिदूना आबिदीना, आबिदूना आबिदीन और इबाद। पेज नंबर 49 और बारी है शफीक सत्ती साहब की, राइट सर। आबिदुन, आबिदुन की थर्ड चीज क्या बताई थी आपने? आबिदुना आबिदीना इबाद, सर इबाद अब्द की जमा नहीं होती सर? सॉरी जी वो सॉरी जी वो आबिद की नहीं है, वो अब्द की जमा है, आबिदुन और आबिदीन ही होगी आबिद की जमा, इबादुन इबादुन सर ने लिखवाई थी इबाद भी, इसलिए हमारे पास लिखी हुई है वो, नहीं, ये क्यूसी वन में भी डिस्कस हुई है चीज कई दफा ना, इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है कि
पढ़ाते भी है ना हम, तो वो कहते हैं कि तो इबाद है ही है, लेकिन ये जब लिखाई थी ना तो लिख ली थी और सर्कल कर लिया था उसको हमने। एक्चुअली ये इसमें फाइल है ना, तो इसमें फाइल की जमा बहुत सारी आती है, आबिदुन आबिदूना अबदतुन उबादुन इबादुन, ये मुख्तलिफ सारी इसमें फाइल की जमा के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो मे बी कहीं यूज की गई हो। मफहूम तो खैर अब्द और आबिद दोनों का एक ही है। सिस्टर अनीस जी सर, ये पेज 44 पे मैं ये जो नाकिस दिया फेल इश्तरी इसमें उन्होंने वो काइंडली बंद कर लें, एक सेकंड मैं बाइक बाकी माइक म्यूट कर लूं। सिस्टर जी सर, ये पेज 44 पर है ना, बिकम इश्तरी था फाजे साता और माजा तुदु अंतश्तरिया, अब यहाँ पे मंसूब हो रहा है तो ये जो है ना मंसूब हालत जाहिर होती है, बाकी नाकिस में जो है फेल नाकिस में जो है वो मजरूर और जो मरफू हालत है वो एक ही तरह जाहिर होती है ना। नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे बताना फेल मजरूर होता है। ओ मजूम, सॉरी मजूम, सो सॉरी मजूम, मजूम में या गिर जाती है और वो जो है दूसरी वाली, मतलब इसमें वही वाली है कि जो मंसूब हालत है उसमें जाहिर हो जाता है इसका इराब जी, ऐसे ही और बाकी में जाहिर नहीं होता, तो वही मैं क्लास में बोली थी ना सर कि वो नाकिसी से, ये भी फेल नाकिस है और नाकिसी से मनकूस बनता है, तो वो मतलब कॉन्सेप्ट उसमें वही वाला कि इस मनकूस में भी यही होता है ना कि सिर्फ उनकी जो मनसूब हालत है वो जाहिर होती है, बाकी जो है वो मरफू और मजरूर जो है इसमें वो जो है वो हालत जो है वो कसरा से शो होती है ना, मतलब उसका वो जब मजूम होगी तो उसकी या गिर जाएगी ना, गिर जाएगी कैसे रहेगी, गिर जाएगी जी, या गिर जाएगी तो फिर तो नहीं जो सेंटेंस है बिकम, तो इसे तरकीब में बिकम को इसम इस्तफहाम सिंपली कहेंगे या बी भी है साथ, तो क्या उसको तरकीब में थोड़ा सा अगर यहीं पे समझ आ जाए, बाकी सब जार मजरूर कहकर निकल जाएंगे बस, इस तरह ही तैसे इसको जुमले को बनाएंगे, ये इस्तेफहामिया जुमला है ना, इसमें से दो ऑप्शंस हैं, कुछ लोग कह रहे होते हैं इसमें इस्तेफहाम है तो फिर बिकम पूछने का अंदाज है, हालांकि मेरा तो ख्याल है जार मजरूर ही बनाना चाहिए क्योंकि हमने इसको ऐसे ही लिया ब्रेक करके दो हिस्सों में, बिकम जो है ना वो हम ऐसे इस चीज को डिस्कस करते नहीं है, मेरा ख्याल है डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन चले ये भी समझ आ जाए तो अच्छा है क्योंकि कीमत वगैरह पूछते इसका नहीं हमने कहीं पर भी डिस्कस किया हुआ इसे, चले वो ठीक है, जस्ट ये कि तरकीब में हम इसको जार मजरूर कहेंगे, ये सिर्फ जार मजरूर ठीक है सर, बस ये था पॉइंट। अच्छा जी मैंने किसका नाम लिया था, शफीक साहब का, शफीक साहब जी सर, ये मजहूल बनाएं जी, माजी का भी और मुजारे का भी बना लें, पेज नंबर 49 पे पहला तो काल है, काल है कीला यकूलो युकालो, बा आ कैसा हो गया, बी आ जी, और ये बी ओ का हो गया युबा ओ जी, वो तो लिखा हुआ है, मतलब आगे हो गया साका जी, सीका ठीक हो गया, यसुको का हो गया युसाको दुरुस्त, ठीक हो गया, खाफा से खाफा खीफा, यखाफो ये साका और जारा, इन दो का तर्जमा भी बता दें, साका साका मतलब गाड़ी ड्राइव करना चलाना है, चलाना, सीका का फिर क्या तर्जमा होगा,
सीका का हो गया it was driven, मतलब वो चलाया गया। और जारा से जीरा का क्या तर्जुमा होगा? देखा जीरा मतलब विजिट कर रहा है, जारा उसने विजिट किया, जीरा विजिट किया और जीरा को विजिट किया गया। जी ठीक हो गया सर, जज़ाकुमुल्लाह। सिस्टर सीमा सर, साका को दोबारा बताइए। चलाना, ड्राइव करना, मतलब बेसिक तर्जमा है चलाना, और फिर उसको ड्राइव के तौर पर, ड्राइव करने के माने में यूज किया जाता है मॉडर्न अरेबिक में, वरना साका सिंपली चलाने को कहते हैं, किसी भी चीज को चलाना। तो ड्राइवर को साइक कहते हैं। जी साइक कहा जाता है ड्राइवर को। सिस्टर सीमा नंबर 3 पे है, अजवफ अफाल को पहचानना है। जी सर। सर एक क्वेश्चन पीछे वाले से जरा कर लूं पहले मैं। जी, सर मुझे यशुकु और युसाकु का भी मीनिंग जरा क्लियर कर देंगे एक दफा। ये साका का माना उसने चलाया, यशुकु वो चलाता है, तो सीका का माना उसे चलाया गया, तो युसाकु क्या बनेगा? सर यशुकु का था कि वो चलाता है। जी ठीक है, तो इसका जो मजबूर होगा उसे चलाया जाता है। ठीक है सर, इसको इंग्लिश में क्या करेंगे? जैसे यसुकु का था he drives, और युसाकु का क्या होगा फिर इंग्लिश में? अभी इंग्लिश वाले बताएं जी, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। मैं एक चीज है, he will be driven। ठीक तो ये भी एक अच्छा रेफरेंस है ना, सबको याद भी है तकरीबन, वसीक अल्लज़ीना, उसमें है भी मजहूल इस्तेमाल हुआ है ना। जी दो दफा आया हुआ है, वसीक अल्लज़ीना कफरु और इसके मीनिंग यही देखे थे, पीछे से हांकना। जी हांकने के माना में मतलब यूज होता है, बहरहाल उसको अब फिर जो है वो चलाने के माना में भी यूज किया जाता है ना, मतलब ड्राइव करने के लिए, इसी से फिर वो साइक को सयारा ड्राइवर को कहा जाता है। वो भी तो चलाता ही, चलाया ही जाता है ना, एक ही समय नहीं। बल्कि सर वो एक बता रहे थे कोई कि जो सूक है मार्केट मॉल, उसके लिए भी उन्होंने कुछ इससे रिलेट किया था कि वहां पे भी बहुत भीड़ होती है और एक तरह से लोग चला रहे होते हैं ना, काइंड ऑफ याद रखने के लिए। भीड़ होती है तो कोई गार्ड्स जो है वो हांक रहे होते हैं उनको भी चलें रास्ता खाली करें। साका यसुकु है तो इसका मदर तो सुकुन सौकुन बनना चाहिए ना, कुछ इसी किस्म का सियाक भी तो आता है। और साक और किसको कहते हैं? पिंडली को। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये इसका जो मतलब बेसिक माना है उसमें ऐसे ही है कि ऐसे चलाया जाए कि जिसमें पिंडलियों का इस्तेमाल हो, तो ड्राइवर की पिंडलियां इस्तेमाल होती हैं मेरा ख्याल है ज्यादा, या पैदल जो चराने वाला है कुछ उसके लिए। ये हांकना जो है वो तो और चीजों को भी हांकते हैं, जानवरों को भी तो हांकते ही है, उसको वो भी वो इसी बारे में आएगा, उसमें भी एक ड्राइवर होता है ना जो सबको आगे हका रहा होता है। जी चलें सिस्टर सीमा प्रैक्टिस ये कर लें जी, दूसरे वाले से करो ना, पहले वाले तो उन्होंने दिया हुआ है बिकम बियत सयारतु का या जुबे, तो सर इसमें बा यबियू से बियत आया है अजवा, और फिर सेकंड है होना तो बा उस आगे भी तो है, उसने जवाब भी तो दिया है। अच्छा ये भी करूं, ये भी सर वही है बी है। ठीक है। तर्जुमा अगर करती जाए साथ। अच्छा कितने ये गाड़ी तुमने कितने में खरीदी ए जुबैर? ये गाड़ी कौन सी? तुमने गाड़ी कितने में खरीदी जुबैर? खरीदी या बेची? बेची। ये
फिर से तर्जमा करें, बिकम बियत सयारतुका या जुबैर। बेची नहीं होगी सर, ये बिकी। तुम आपकी गाड़ी कितने में बिकी ए जुबैर? जी आपकी गाड़ी कितने में बिकी? आपकी गाड़ी कितने बिकी ए जुबैर? बियत मतलब ये बियत सयारत की तरफ जा रहे हैं, तो मोनस आया है बिकी बे अशरती अलाफी अशारती अलाफी रियालिन, 10,000 रियाल में बिकी। सही। हुना तुबा उस सुहुफु वल मजल्लातु, यहाँ मैगजीन और न्यूज पेपर बेचना मना है सर। ये भी बा यहाँ मना क्यों है? तो बाउन मना मना में नहीं आता, तो बेचना फिर किसका माना है सर? वो पीछे मैंने पता नहीं क्यों मेरे जहन में रहा, हमने वो एक लेसन में पढ़ा है ना कि ये बेचना मन, ये बेचने के नहीं, अगले लेसन में शायद कहीं है। नहीं, यहाँ सिंपल है, यहाँ बेचे जाते हैं मैगजीन्स। अच्छा। और न्यूज़पेपर्स। ठीक है, यहाँ मना नहीं, बेचे जा सकते, यहाँ बेचे जाते हैं मैगजीन और न्यूज़पेपर। ये भी बा यबीउ से है, अजबब से। युकालु इन्ना हाज़हिल अर्दा सतुबाउल बिल मज़ादी, कहा जाता है कि ये जमीन अनकरीब नीलाम में बेची जाएगी। नीलामी में बेची जाएगी। तो सर यहाँ पे काला यकूलु से मजहूल दिया हुआ है युकालु, और सर यही फिर नहीं, ये फिर ये दोबारा बा यबीउ से आ गया सर। तो बा अगले दो को, अगले दो को और कर ले। सताजुन निसा सर। जी अयुकालु तम्रु अम यूजनु, यूजन खजूर को नापा जाता है या वजन किया जाता है? क्या खजूर को नापा जाता है या वजन किया जाता है? इसमें अजवफ अफाल कौन से हैं सर? ये काला काला कीला और इसका फिर ये मजारे है युकालु। ठीक है, और यूजनु है? नहीं सर, यूजनु नहीं है। ठीक है, ये किसमें? अगला भी कर लेंगे फिर तंजीली। यूजनु मजहूल नहीं होगा? मजहूल है, यहाँ अजवफ ढूंढ रहे हैं, अजवफ नहीं है, ये मिसाल है। वफित तंजीली व इजा कीला लहुम लहुम मुरकाउ ला यरकाउना, ये वफी तंजीली कुरान में है या किस तंजील? कुरान में है। ठीक है, है। और जब कहा जाता है उनसे सजदा करो, झुक जाओ या सजदा करें, ठीक है यार, तो वो नहीं झुकते जी। और कहो अजवा फेल कौन सा है यहाँ पे सर? ये रका तो रकू से नहीं, कौन सा अरकाऊ और यरकाऊ वही मतलब झुक जाना ना, झुक जाना, रुकू भी तो झुकने को कहते हैं, और रुकू से सजदा भी मुराद लिया जाता है बस जगहों पर। फेल मजहूल अजवफ फेल बताना था शिष्यत राजुन ने सर। पीला, ठीक हो गया। बाकी आगे ये सारे अफ़ाल हैं, उनकी हमने वो करना है, ये आप लोग जो है वो ये आप लोग अपने उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जन्ना या जुन्नु से इस्मुल फाइल बनेगा वानुन असलुहु वानिनुन, और मर्रा इस पर हम टाइम
हम आ जाएं कहाँ पे, ये पेज नंबर 54 पे आ जाएं। पे सिस्टर अनीस दोबारा से स्टार्ट कर लें, 54 नंबर 16। جی سر الفاعلین والمفعولین فی الجمل الاتیہ واذکر اصل کل واحد منها والفعل الذی اشتق منه ونوع هذا الفعل۔ پہلے ایک دفعہ اس کو پڑھیں، یہ سوال کو پڑھیں پورے کو، کوشش کریں روانی سے پڑھیں۔ عین اسماء الفاعلین والمفعولین فی الجمل الاتیہ جی پیج نمبر ذرا پلیز بتا دیجیے گا۔ 54 کوسچن نمبر 16۔ اوکے ٹھیک۔ وذکر اصل کل واحد منها والفعل الذی اشتق منه، ملائنا والفعل الذی اشتق منه ونوع هذا الفعل، اس میں ہم نے ڈھونڈنے ہیں فاعل اور مفعول ہر جملے میں جو گیون ہے، اور اس میں ان کا اصل جو ہے وہ بھی بتانا ہے، اور ان کا جو ہے جس وہ فیل جس سے لیے گئے ہیں وہ بھی بتانا ہے، مشتق کیے گئے ہیں، اور اس کی وہ نو کیا ہے وہ بتانا ہے۔ جی مطلب اس کو وہ بتانا ہے نا کہ ٹائپ کیا ہے، نو ٹائپ کیا ہے۔ ابھی قاضین، تو یہ اصل میں اس کا قاضی یون تھا، اور قضا یقتی تھا یہ، اور یہ ناقص الیائی ہے۔ ترجمہ کیا ہے ابھی قاضین کا؟ ابھی قاضین قاضی کے ابو، نہیں ابھی قاضین کون سا جملہ ہے؟ میرے ابو، ابھی میرے ابو، یہ وہ والا جی، سر جی جی میرے ابو ہیں، میرے ابو قاضی ہیں جی، جج خبر جی جی قاضیون ہے نا، ہاں ٹھیک ہے میرے ابو قاضی ہیں۔ ما اجمل ھذا البیت المبنی بالحجری، ما اجمل ھذا البیت، کتنا ہی خوبصورت ہے یہ گھر، ھذا البیت المبنیہ جو بنا ہوا ہے پتھروں سے بنا ہوا گھر، جی یہ پتھروں سے بنا ہوا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے سر؟ یہ مبنیہ جی، بنا یبنی سے اسم المفعول بن رہا ہے جی، اور یہ جو ہے یہ بھی بنا یبری ناقص الیائی بن رہے گا نا سر جی۔ اصل کیا تھی؟ مبنو مبنیون مفعول پہ اس کو ڈالنا پڑے گا نا، مبنو بنا یبنی مبنیون جی، مبنیون ہوگا جو کہ مبنی مبنیون بن گیا ہے، اس کو واو کو جو ہے وہ چینج کر دیا ہے اور یا کے ساتھ ادغام کر کے اس کو مبنیون کر دیا ہے۔ از اٹ رائٹ سر؟ جی جی ٹھیک ہو۔ کروں سر یہ سسٹر اسما کو کرنے گے، سسٹر اسما خالد جی۔ جی سر تھرڈ سے کرنا ہے، سائمون انتا، کیا تم سائمون روزے دار ہو یا روزے دار ہو یا روزے سے ہو تم، ساما یا سومو سے سر، اور یہ پھر ہوگا اجوف بل واوی جی، اور چوتھا ہے اصل میں کیا تھا، نہیں اصل میں کیا تھا، سائمون پاویمون سائمون واو ہٹ جائے گا، گر جائے گا، گرا نہیں ہے، واو کو حمزہ سے چینج کر دیا ہے، گرا نہیں ہے۔ ٹھیک سر۔ احب اللحمہ، میں پسند کرتا ہوں لحمہ گوشت، المشویہ، المشویہ کیا گرلڈ ہوگا، شوا یشوی سے نہیں، یہ گرلڈ نہیں ہے، یہ بھنا ہوا ہے، بھنا ہوا ہے، بھنا ہوا ہے یا وہ تلا ہوا ہے، یقلی جو ہے شاید تلا ہوا ہے، اور مشوی جو ہے روسٹڈ یا گرلڈ، روسٹڈ گرلڈ ہو گیا جی۔ ول بیزا، بیزل، بیزل مقلیہ، بیزل ہو گیا انڈے کو کہتے ہیں سر، انڈا جی، انڈا مقلی ہو گیا، ہمیں یہ فرائنگ سے فرائڈ انڈا جی، تو مشوی ہو گیا شوا یشوی سے، اور مشوی یہ کیا تھا، شوا یشوی، یہ فعل ناقص ہوا بلیائی، اور مقلا یقلی، یہ کیا ہے، مقلیون، مقلیون قلا یقلی سے ہوگا سر یہ جی، مقلیون، مقلی اصل کیا ہے دونوں کی،
یشوی سے مشویون 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 جی مشویون اور مقلیون ہوگا مقلا یقلی مقلویون مفعول مقلویون مقلویون ٹھیک ہو گیا سر ففت بھی کر اچھا ٹھیک آپ کرنا چاہتی ہیں اگر تو کر لیں کر لیتی ہوں سر الدالو علی الخیر کفائلہ الدالو دالو کا کیا ہوگا دلالت کرنے والا جی علل خیر خیر پر دلالت کرنے والا ایسے ہے جیسے فائل ہی جیسے اس کو کرنے والا جی کیا معنی ہے اس کا یہی سمجھ کس کو اس مفہوم کیا بنے گا دالو علی الخیر کفائل ہی خیر کی دلالت کرنے والا ایسے ہی جیسے مطلب خیر کا ساتھ دینے والا ایسے ہی ہے جیسے خیر پر کے اوپر دلالت کرنے والا اس خیر کو کرنے والے کی طرح رہنمائی کرنے والے کو اسی طرح سے اجر مل جائے گا جس طرح گویا اس نے خود کیا ہے. اس میں کہاں پر ہے دالون الدالو ہوگا دالو کرنے والا دلالت کرنے والا فعل اسم الفاعل اور یہ ہوگا دلہ یا دلو یدلو جی یہ مضاف ہے ٹھیک سر تو یہ ہوگا اصل کیا تھا دالون اور بھی ہے کوئی یا نہیں سوری جی سر آپ کچھ کہتے فائلی فائل فائل فالا یا فلو سے فائل کرنے والا فائل تو اصل میں کیا تھا فائلن تو فائلن ہی نہیں تھا سر جی ٹھیک ہو گیا جی جزاکم اللہ جی ڈاکٹر صاحبہ قالت لی امی میری امی نے کہا مجھے ملابس کا مغسولتم و مکویت آپ کے کپڑے تمہارے کپڑے جو ہیں وہ دھلے ہوئے ہیں اور استری ہوئے ہوئے ہیں تو یہاں پر اسم المفعول ایک تو مغسول آ رہا ہے لیکن یہ تو صحیح والا ہے نا غسل یغسل سے جی اور دوسرا جو ہے یہ مکویتن جو ہے کوا یکوی ناقص الیائی صحیح تو میرا خیال ہے اس کو یہیں پہ روک دیں اور اگلے کو دیکھ لیں اس میں کوئی ایسی بات جو ہم تمرین میں دیکھنا چاہیں تاکہ ہم اگلے ہفتے کوئز ہی کریں کچھ اور نہ کرنا پڑے ہمیں کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب یہی سے ریکویسٹ سر کوا یکوی جو ہے جی سوری سر میں ایک کوشچن پوچھا تھا کوا یکوی جو ہے اس میں عین اور لام دونوں کلمے میں کمزور ہیں نا دونوں کمزور ہیں یہ ہم کانسیپٹ ہم نے آگے چل کے لفیفے مقرون اسی طرح سے شبا یشوی تو سر اس کا نام پھر ہم اس کو خالی ناقص کیوں کہہ رہے ہیں ہم اس کو اجوا پڑھاتے ہیں دونوں نام یہاں پہ یہاں فی الحال آپ ناقص ہی لیں کیونکہ ہم نے ابھی تک ناقص ہی کو لیا ہے نا آگے چلیں گے تو پھر ہم اس کو کہہ دیں گے کہ اب یہ ناقص نہیں ہے اب یہ لفیف ہو گیا اب یہ کر دیں گے تو پھر وہ ٹرمز بہت زیادہ ہو جائیں گی ڈاکٹر صاحب آپ ہی کر لیں پیج نمبر 61 پہ جو آ رہی ہے نمبر 4 باقی تو یہ پیچھے جو آ رہے ہیں اس کے ایکسکیوز می سر بنائے گئے 61 پہ نمبر ایکسکیوز می سر سر 54 پیج پہ جو ہم کوسچن 8 تھا لا تخف ان سرک مصون تو مصون کے معنی کیا ہے مصون صیانت سے ہے نا صیانت محفوظ ہونا یعنی تمہارا راز محفوظ ہے پوشیدہ ہونا سر زیادہ اس میں آتا ہے جی پوشیدہ ہونا چھپا ہوا ہے یعنی تمہارا راز ہی رہے گا تھینک یو سر Excuse me, sir. جی
मैंने इधर क्वेश्चन मार्क्स किए हुए हैं पेज नंबर 55 पे ही, तुन कलू सलातुल जुमाती बिल इजातैन अल मस्मूआती बल मरईयती, इसमें मैंने क्वेश्चन किया भाई, ये थोड़ा कोई लग रहा है, तुन कलू नकल किया जाता है, नशर किया जाता है, नकल किया जाता है, नमाज जुमा दो स्टेशन से, पैनल से, स्टेशन से, जी से, अल मस्मूआती वल मरियती, ऑडियो और वीडियो, ओके मरिया, अच्छा ठीक है, शीशा जैसे मरा, ओके ओके ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो, थैंक यू सर। तो ये भी वो उसमें होंगे सर, ये मस्मूआ जो है इस्मुल मफूल होगा और मरिया भी इस्मुल मफूल में आएगा, मफूल है जी, ठीक है ओके, ये सर इनका तर्जुमा हम रेडियो और टीवी के तौर पे भी ले सकते हैं ना, रेडियो ऑडियो तो रेडियो पे होते हैं, ऑडियो रेडियो पे आती है, तो वीडियो टीवी पे एक्चुअली रेडियो को कुछ और कहा जाता है, मुझे हमने इसको पढ़ा था, टीवी को एक तो टेलीविजन कहते हैं जी, टीवी टेलीविजन को, और रेडियो के लिए भी एक अलग लफ्ज यूज किया जाता है, तो इसको हम ऑडियो और वीडियो ही लें तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। सर ये 11 वाले का जरा सर फिर से बता दीजिएगा तर्जुमा, नंबर 11 ला तुक्बलु सिलअतुल मबीआतु, के वो क्या कहते हैं, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, यानी कि बिका हुआ माल कबूल नहीं किया जाएगा, जी सिस्टर फरीहा, जिसे सिल तुम वैसे सौदे को कहते हैं, सौदा होता है ना माल जिसको कह रहे हैं, तो मबीआ सोल्ड यानी सोल्ड मर्चेंडाइज इज नॉट एक्सेप्टेड हियर, इस तरह से कहते हैं मर्चेंडाइज। इसका नेक्स्ट वाला बता देंगे, अजब अनस सुआली अताली सवाल ताली, ये ताली जो है ये तो नेक्स्ट वेंसडे को मैं पूछूंगा ना, अजब अनस सुआल ताली, आने वाले सवालों का जवाब दे, ओके ओके सही ठीक है, ये समझ आ गया, आप तो असलतल आतिया करोगे, सवाल तो नहीं होगा, ठीक है ताली गिवन, ओके तो ये भी सर वो होगा ना, क्या कहते हैं इस्मुल फाइल ही है ना ताली, जी ताली है ना, बगैर अल के होगा तो तालिन हो जाएगा, तला से तला, जी तला से तला यतलू से सर, जी जी तिलावत वाला ये, जी जी ओके आने वाला है ना, मतलब तला का माना असल में ये कि एक के बाद दूसरा पीछे आने वाला, ठीक है सर जज़ाकर, कभी असल जो मतलब मफहूम फिर उससे हमें समझ में आता है कि तिलावत में दो तरह से उसको लिया गया, एक तो ये है कि तिलावत उसको कहते हैं कि एक लफ्ज के बाद दूसरा लफ्ज उसके पीछे चलता चला आ रहा है, जो आप पढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यू, तो इसलिए उसको तिलावत कहते हैं, और दूसरा मफहूम ये कहा गया है तिलावत का कि पढ़ने के साथ साथ उसके ऊपर अमल भी हो रहा हो, तो ये है तिलावत का सही रूह जिसको कहा जाए कि तिलावत की रूह ये है कि जो पढ़ रहे हैं उस पर अमल भी हो। सर इसका असली क्या होगा, अलतालिबू, कौन सा वाला, इसी का अताली का असलहू जो है वो क्या होगा, अतालिबू, अतालिबू जी आखिरी में से कुछ कर लें, सिस्टर फरीहा, सिस्टर फरीहा आप पेज 61 पे नंबर 4 जो है इसके कोई दो तीन कर लें, सवाल समझा दें और तीन जो है वो कर लें, उसके बाद हम ये तला यतलू से है फाइल, जी सिस्टर सर आपने कहा था पेज 61 पे ना, जी जी, तो इसमें से हमने अस्मा जमान और अस्मा मकान को निकालने समय बोल भी बताना है और फेज भी बताना है, जी सर तो नंबर 1 को देख लेते हैं, युकालु हुवा मिन्नी बी मरअन व मस्मअइन ऐ
بحیثو اراہو و اسمعو کلامہو. وہ ہوا وہ منی یعنی وہ ایسی جگہ ہے جہاں میں اسے دیکھ بھی سکتا ہوں اور سن بھی سکتا ہوں. یہ اس کا رننگ ترجمہ نا. وہ ایسی جگہ ہے وہ میرے لیے ایسی جگہ پر ہے. منی بھی مرعن و مسمعن یعنی وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ میں اس کو دیکھ بھی سکتا ہوں سن بھی سکتا ہوں. یعنی بھی حیث اراہ و اسمہ یعنی وہ اسی طرح سے آ گیا نا جیسے میں نے ساتھ ایکسپلین کر دیا. یہ نا میننگ اس کا. تو اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے اسم مکان ہے مرعن جس کا وزن ہے مفعل ان کا اور الفعل الذی اشتق منہ میں رعایرا با فتح سے آتے ہیں. اور دوسرا ہے مسمعین تو یہ بھی مفعل ان کے وزن پر ہے اور اس کا بھی فعل سمیہ ہے جو کہ سمیہ یسما ہوا ہے باقسین سے آتے ہیں. اور سیکنڈ ہے قال تعالی ان موعدہ ہم الصبح الیس الصبح بقریب بے شک ان کا جو وعدے کا وقت ہے وہ صبح ہے اور کیا صبح قریب نہیں ہے. یہ سورہ ہود کی آیت ہے. اس میں موعدن جو ہے اس کے کیس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسم زمان بھی ہے موعدن اور اسم مکان بھی ہے موعدن. یہاں پہ ویسے زمان کے طور پہ استعمال ہوا کے طور پر آ رہا ہے جی جی لیکن یہ ہو سکتا ہے یعنی کس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اور یہ مفعول ان کے وزن پر ہے اور یہ وعدہ یعیدو ضرب سے آتے ہیں. اور نیکسٹ بھی دیکھ لوں وقال لقد کانا لسبائی فی مسکنہم لسبائن فی مسکنہم آیتن جنتانی عن یمینی و شمالن. اس بک میں سے تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ ہی ہم سے مسٹیک ہوتی ہے کیونکہ وہ اعراب کی عادتیں ہیں نا اس کی. تو اس میں ہمارے پاس صرف مسکن نظر آ رہے ہیں مسکنن جو کہ مفعولن کے وزن پر ہے اور سکنہ یسکنون باب نصارہ سے آتے ہیں اور نہیں ہے اس میں. نمبر فائیو نیکسٹ جی نمبر فائیو میں ہے وقالا الیس فی جہنم مثوا للکافرین. تو کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کافروں کے لیے. اس میں مسون بھی مفعولن کے وزن پر آئے گا اور یہ ہے سوا یسوی ٹھکانہ باب دربہ سے آتے ہیں. اور نیکسٹ والا بھی ہے کہ وقال مالکم من ملجائن یومئذ ملجائن سبھی بات رہی مالکم من ملجائن یومئذ کیا ہے تمہارے لیے نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ کیا نہیں ہوگی تمہارے لیے نہیں ہے تمہارے لیے نہیں ہے تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ آج اس دن کیا نہیں ہے نا کیا نہیں ہے کوسچن نہیں ہو رہا. اچھا ٹھیک ہے مالکم مالیسا ہے نا تمہارے لیے مالیسا جی نہیں ہے تمہارے لیے نہیں ہوگا تمہارے لیے اس دن کوئی ٹھکانا یا کوئی پناہ کی جگہ. ٹھیک ہے سر یہ ماں بلیسا تو نہیں یہ ماں وہ والا نہیں ہے جو جس میں مین زائدہ استعمال ہوتا ہے جو شروع میں ماں وہ آتے ہیں جی جی وہ لیسا والے میں تو با آ جاتا ہے نا یہ ماں یہ نافیہ والا آ جائے گا نا سمپلی کیونکہ اس میں نا مین ملجا ان سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مین زائدہ والا کیس ہے جس میں شروع میں نفی نفی استفہام آتا ہے نا تو اس میں ماں جو ہے وہ نفی آ گیا نا نافیہ آ گیا نا جی یہ ہے نا سر تو اس میں ملجا جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ ملجا ان جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ٹھکانا یہ مفعول ان کے وزن پر ہے اور لجا یلجا با فتح سے ہے. ٹھیک ہو گیا آخری والا میں کر دیتا ہوں من قام من مجلسہ ثم رجع الیہ فہو احق بہ جو اٹھا اس کی مجلس سے یعنی بیٹھنے کی جگہ سے پھر وہ اس کی طرف لوٹ کر آیا تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے. تو مجلس جلسہ یجلسو سے یہاں پر اسم مکان آ رہا ہے بیٹھنے کی جگہ صحیح ہے. باقی نمبر فائیو یعنی جتنے بھی یہ ہیں نا آپ کے پاس تمارین میں آئے ہوئے ہیں کہ درس میں سے اسماء زمان اور مکان نکالیں ان کو درس کو ضرور پڑھ لیجئے گا کیونکہ آپ کے جو کوسچنز بنیں گے ظاہر ہے وہ اسی درس کے ہی الفاظ میں سے لیے جائیں گے. جی تو پھر یہ جو مالکم من مل جائیں گومن یہ صرف مطلب ہے کہ من زائدہ والی ایگزامپل ہے اس میں ماں جو ہے ہم ماں بلیسا نہیں لیں گے ماں حجازیہ نہیں جی ماں حجازیہ نہیں لیں گے اس میں یا تو قبر کے ساتھ آئے گا اگر اور یا ماں کے ساتھ آئے گا اس میں اسم کا فارم ہی نہیں آ رہا کوئی جی نہیں باقی پر نافیہ ہے نا نہیں نہیں یہ وہ والا ماں ہے نا دیکھیں من مل جائیں جو ہے یہ ماں کا اسم بن رہا ہے مل جائیں ماں کا اسم بن رہا ہے
जी मिन जायदा के साथ मलजा इन जो है ये माँ असल में जी सर ये बेसिकली वही बात थी कि ये मलजा उन था मुब्तदा था ना मलजा उन लकुम तो फिर वो मलजा उनके ऊपर मिन को दाखिल किया नकरा को मजीद नकरा बनाने के लिए नकरा की अमूमियत के लिए ना तो फिर उससे पहले हमने ये देखा था कि नफी नहीं या इस्तफहाम होना चाहिए मिन जायदा वाले जुमले में पहले बिगनिंग में तो ये माँ नाफिया है इस केस में ये वो पिछली दफा हमने पढ़ा था मेरे ख्याल से कि किसी और लेसन में पढ़ा है जी सर पिछले लेसन में खाली 2-3 में आया था ना मिन जायदा वाला कांसेप्ट मिन जायदा के लिए जो है वो ये दो शराइत थी एक तो ये कि नफी नहीं और इस्तफहाम हो और दूसरी शर्त ये थी कि इस मिन के बाद आने वाला इसम नकरा हो ठीक है जी सिस्टर नुज़हत पर माँ हिजाजिया को माँ नाफिया भी कह सकते नहीं माँ नाफिया और माँ नाफिया तो ये भी है ना तो उसको या माँ हिजाजिया कहेंगे या उसको माँ मुशाबे बलैसा कहेंगे ताकि दोनों के जो है ना वो मिक्सअप ना हो जाए ठीक है थैंक यू सर माँ हिजाजिया जो है वो तो जुमला इस्मिया के साथ होगा ना जी 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 उसमें माँ का इस्म और माँ की खबर आ जाएगी तो खबर आएगी है ये भी जुमला इस्मिया एक्चुअली ना ये है लेकिन इसकी पहचान जरा वो मिन की वजह से आसान से की वजह से ये वो हो गया थोड़ा माल जाजिया का भी तर्जुमा नहीं में ही करेंगे नहीं जी जी तर्जुमा उसका भी नहीं वाला ही है ठीक है लेकिन तो माल जाजिया क्या इसको ये हिजाज वाले और वो दूसरे हैं पता नहीं कूफा बसरा वाले हैं इराकी तो माल जाजिया ये भी कर सकते हैं ना कि इसका इसकी खबर मंसूब होगी या फिर बा हर्फ जर के साथ होगी जी माँ हिजाजिया की पहचान ये है कि उसके बाद खबर या तो नसब की हालत में आएगी और या बा वाले बा के साथ मजरूर आ रही होगी तो ये इसके साथ हमारा मुकम्मल हो गया आप लेसन देख लीजिएगा और उसी के मुताबिक इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस बनेंगे सर एक क्वेश्चन था जी 55 पेज पे जो लास्ट 19 और 20 है वो अगर एक दफा दोबारा से सिर्फ करवा दें कि करेक्शन देख लें कि सही है कि नहीं जमा है और मुफ़रद के हाथी जमा नुस्खा की जमा नुस्खा की जमा नुस्खा सीन पर जबर नुस्खा और हदीयत उनकी जमा हदाया मरकज की जमा मराकज फुर्सत उनकी जमा फुरसन है फुरसन है फुरसन फुरसन उनवान रॉ पे जबर है आई थिंक जबर है जी फुरस उनवान की अनावीन उनवान की अनावीन और सिर्रम की जमा असरार इसको इसरार कह रहे होते हैं ये इसरार जो है वो इफाल का मस्तर बन जाता है असरार मस्तर है सिर्रा का क्या बताया था सिरुन का असरार असरार हमजा की जबर के साथ अफाल की तरह और शुऊन की जम जी शानुन शानुन शुऊन का वाहिद है शानुन और शुऊन किसको कहते हैं मामलात या अफेयर्स वो था ना उसमें अफेयर्स ऑफ इसमें जाएं आप में जो था एडमिनिस्ट्रेटिव क्या था सेंटर ऑफ अफेयर्स में जाएं ना मरकजी शऊन दावा दावत के सर फुर्सतुन की तरह से बता दीजिए किसकी फुर्सतुन फुरूसुन या फुरसुन फुरासुन फुरासुन जबरदस्त सर नुस्खतुन का क्या है नुसखुन और मनाहिज का मनहज मनहज सर अबवाब में जहां जहां पे कुछ दो तीन ओपिनियंस आ जाते हैं उसका फिर आप ध्यान रखिए वो कोशिश ये होगी कि दो वाले जो है ना वो अगर दो वाले हुए तो फिर आपको चेक बॉक्स में नजर आएगा क्वेश्चन जी ठीक है मनाहिज क्या क्या मतलब है तरीका या रास्ता करिकुलम करिकुलम जी करिकुलम
तो आपके पास जो है ना अगर वो आते हैं तो चेक बॉक्स पहचानते हैं ना आप लोग, ये देखिए जब ये रेडियो बटन आ रहे होते हैं ये गोल आपको नजर आए तो इसका मतलब है कि आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये स्क्वायर में आ रहा हो चौकोर हो तो फिर उसमें एक से ज्यादा सिलेक्शन हो सकती है। तो जब आप दूसरे के जब कॉर्नर में आपने स्कोर लिखा हुआ होता है ना उससे भी समझ आ जाती है कि अगर तीन जवाब हैं, तीन ऑप्शंस हैं और स्कोर में उधर आठ लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है एक से ज्यादा हम कर सकते हैं, वरना एक एक ही होता है। ये चीजें थोड़ी सी ये तो हमें नहीं पता, ये देखे ना मुझे आज तक स्क्वायर में तो कभी नजर नहीं आया चेक बॉक्स, इस दफा आ जाएंगे फिर। तो फिर क्या होता सर अगर स्क्वायर में होते हैं तो जरा इसको रिपीट कर दीजिए, एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं ना, आई एम सॉरी योर वॉइस मैसेज के रूप में डाल होता है इंस्ट्रक्शंस है। देखिए ये देखिए ये अभी यूं आ रहा है जी, आ रहा है अब अभी आपको स्क्वायर में चार में नजर आ रहे हैं ना उसमें चौकोर में, तो अब इसके आप एक से ज्यादा को सिलेक्ट कर सकेंगे मिसाल के तौर पर सर, और अगर ये जी तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, टाइम आप लोगों का ज्यादा हो चुका है काफी, आपका पैटर्न क्या है अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो उसका टेस्ट, इन तीन चैप्टर्स का टेस्ट होगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद फिर तीन चैप्टर्स होंगे फिर उनका क्विज होगा, इस तरह से कर जी, तो पीछे का कुछ इंक्लूडेड होता है। मैं वही अगला सवाल मेरा यही था कि आप लोग क्या चाहते हैं, पिछले का भी कुछ ऐड कर दिया जाए, एक आध कोई सवाल कोई एक दो जगहों पर आ जाए अगर तो किसी को, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ये खुद ही इतना ज्यादा है वाओ हालिया वाला, कोई एक सवाल दे दें जी के यहाँ पर बताए वाओ हालिया है या नहीं सर, वो एक साथ करते रहे तो अच्छा है फिर। अच्छा चलें जी, सिर्फ इन्हीं तीन को बीच में रखेंगे ठीक है, क्योंकि आगे इस दफा क्विज था तो वो ये था कि उसको हम दोबारा भी देख सकते थे ना अपना सॉल्व हुआ हुआ, तो सॉल्व हुए को दोबारा देखने के लिए तो सब कुछ रेड हुआ हुआ, ये क्या बात जी, वो इसमें कोई इशू हुआ है आज मुझे भी, मतलब मैंने भी जब वो पहले देखा था तो मुझे उसका आपका जो स्प्रेडशीट आई थी उसपे सबके मार्क्स आ रहे थे, आज जब मैंने उसको खोला तो वो सबके जीरो हुए। हाँ वो सब रेड हुआ है, आंसर जो ठीक ही हमारे हुए हैं वो एक तो मेरे से मतलब स्क्रॉल करते करते कोई हाथ गलत टच हो गया तो मैंने कहा ये क्या हुई, तो सारे गलत हो गए जीरो नहीं है, वो उसमें पता नहीं कोई टेक्निकल एरर आया था क्या वजह हुई थी, तो आज फिर उसको सही किया जिसके बाद ये वाले आपके नंबर्स आए हैं, अदरवाइज सबके जीरो आ रहे थे। सर वो जिस दिन क्विज हुआ मेरा तो खैर बिल्कुल ठीक व्यू हो गया था सारा कुछ ना, उसके बाद मुझे कुछ फ्रेंड्स के इधर उधर से क्विजेज आ गए सारे रेड कलर के, हमारा तो सारा क्विज गलत हो गया ये क्या हुआ, तो मैंने नोट किया, मैंने कहा नहीं आपके क्विज में मोस्टली आंसर तो ठीक है, ये तो कोई टेक्निकल इशू है तो सर से रब्ता करें, तो वो फिर उन्होंने आपने आज देखा वो मैंने आप मुझे मेरा नाम बताए, आपका नाम ये जी डॉक्टर बुशरा नंबर 16 पे ठीक, तो ये मैंने इसको एक दफा पहले किया लेकिन आज जब दोबारा खोला तो फिर से ऐसे ही कुछ हुआ था, तो कोई टेक्निकल एरर था इसको दोबारा से मैंने फिर से किया। मैं हम सर अपनी गलतियां नहीं देख सके, वो मतलब देखना चाह रहे थे कि मैं कोशिश करता हूं कि इसको लिमिटेड करके आपको भेज देता हूं और आप लोग उसी को दोबारा उसी लिंक पर जाएंगे तो आपको वो कह देगा कि आप इसका रिस्पांस कर चुके हैं, आप पुराने रिस्पांस को देखना चाहते हैं तो शायद वो खुल जाए आपके पास। अच्छा। अगर कोई और टेक्निकल इशू ना हुआ तो ठीक है जी, अभी का वाले का अभी का उसका क्या वो मुकद्रा था, वो कसरा मुकद्रा या कौन सा वाला सिंबल नहीं वो था किधर है, क्योंकि का के नीचे लाइन है ना, नहीं वो एक्चुअली वो आप अभी जो है वो मजरूर बिल या था 12 पे जाएं सर 12
सर हमें तो का, मुझे तो का समझ में आया क्योंकि का के नीचे लाइन लगी हुई थी तो मैंने तो का के सब से बहुत सारी आ गई हैं कंप्लेंट्स, तो वापस को करेक्ट कर ही दें। मैं कभी का का बता एक नंबर मिला देंगे मासिक ऐड कर दीजिएगा सर जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें। ठीक है, जजाक अल्लाह। चलिए इस दफा फिर मैं कुछ इस तरह की कोशिश करता हूँ कि ये देखे ना अब ये यहाँ पर हुआ हुआ है, इस सारे को अगर यूं किया जाए कि सिर्फ अभी को बोल्ड कर दें, अब ये समझ में आएगा जी सर। तो आंखें मार मार के हो सकता है आ जाए समझ में, लेकिन पता नहीं तो हाईलाइट कर दें। येलो पहले आप करते होते थे ना वो जो ग्रीफ वाले में, ऐसे कर दें रंग डाल दें ये टॉपिक ही हमने अलग पढ़ा था ना फाले खमसा वाला, तो उसमें मेरे ख्याल में ये पूछना यही था, हमारी लेसन में यही आया था ना कि अबू अबा और अबी वाले के अलग अलग होते हैं, तो जाहिर है फिर उस टॉपिक से अगली दफा थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर करें ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। ठीक है सर। ऐसा पहले जैसे आप उसको हाईलाइट कर देते थे ना ग्रीन कलर का डॉट लगा हुआ था उस पर, वो डॉट ज्यादा हो जाएगी ना है, लेकिन हमारी आंखों का ख्याल हमें सही नजर नहीं आता ना। सही है कर लेंगे इंशाल्लाह। आप सर ये जो सॉल्व है इसका ये आंसर पूरा ये नहीं हमें भेज सकते कि हम उससे देख मैं देखता हूँ अगर जा सकता है तो मैं भेज देता हूँ। ठीक है जी। سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته